तो हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद गोकू और वेजिटा आपस में काफी सारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बीरस के प्लैनेट में। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वीस ट्रेनिंग को रोक देता है और कहता है, आखिरकार क्या बात है गोकू वेजिटा, तुम इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? क्या रीजन है इसके पीछे? कहीं तुम लोग न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने की तो नहीं सोच रहे यूनिवर्स 7 की? और जिस पे गोकू कहता है कि नहीं वीस, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर से मुझे ये तो पता चल गया है कि आखिरकार इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के अंदर कितने ज्यादा पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं उन सभी को सरपास करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। और तभी वेजिटा बोलता है, और मैं इस कैकरोट को सरपास करना चाहता हूँ। हे कैकरोट, मुझे दिखाओ तुमने अपनी कौन सी पावर का इस्तेमाल किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, मुझे उससे फाइट करनी है। और इसके ऊपर गोकू कहता है, माफ करना वेजिटा, लेकिन वो पावर को मैं अभी तक खुद ही हैंडल नहीं कर पाया हूँ, मुझे भी उसमें काफी ज्यादा काम करना है क्योंकि अभी भी मैं उस पावर के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है कि तुम जैसा बेवकूफ वापस उस फॉर्म को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन अब इस बार उस फॉर्म को मैं बहुत जल्द अचीव कर लूंगा। और तभी हम देखते वीस को जो कि कहता है, गोकू तुम जिस फॉर्म की बात कर रहे हो वो अल्ट्रा इंस्टेंट है, और याद रखना गोकू ये फॉर्म हम एंजल्स की है, जिस वजह से ये फॉर्म काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके इस्तेमाल से तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर तुमने इसको एक बार अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया तो तुम इस पावर से कुछ भी कर सकते हो गोकू। और ये सब होने के बाद हम देखते कि यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाता है और वीस कहता है कि गोकू वेजिटा अब तुम दोनों को आराम करना चाहिए, तुम्हें अपने अपने घर लौट जाना चाहिए, कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ भी तुम्हें बिताना चाहिए। जिस पे गोकू कहता है कि हाँ ठीक है वेज, तो चलो वेजिटा हम यहाँ से निकलते हैं। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। और तभी हम देखते बीरस को जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी वहां पर वीस आता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आखिरकार आप क्या सोच रहे हो? और तभी बीरस कहता है कि वीस मुझे ना जाने क्यों लेकिन बहुत ही बीरी फीलिंग आ रही है, कुछ ना कुछ बहुत ही जल्दी बुरा होने वाला है। और तभी हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के प्लेनेट में आने लगते हैं। और बीरस इन सभी को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कैसे आए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और ये सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को काफी गौर से देखने लगते हैं। और तभी बेलमोड आके आगे कहता है, क्या तुम्हें बीरस नहीं पता कि आखिरकार क्या सब चल रहा है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे यूनिवर्सेस में कुछ ऐसे मॉडल भी हैं जो इस पे तुम्हारा भी बस नहीं चलता? और ये सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, जबान संभाल के बात करो बेलमोड, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तभी हम देखते क्यूटेला को जो ये कहता है, हे बीरस इसके कहने का वही मतलब है जो तुम समझे, तुम अपने यहाँ के मॉर्टल से भी डरते हो। और इस पे बीरस कहता है, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, सीधा सीधा बोलो कि आखिरकार तुम लोग क्या कहना चाहते हो? और जिस पे चांपा कहता है, बीरस मेरे भाई मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ, हम सब बस यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें गोकू को खत्म करना पड़ेगा और उस प्लेनेट अर्थ को भी। और ये सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आखिरकार तुम ये सब क्यों कह रहे हो? और जिस पे हम देखते क्यूटेला को जो ये कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो बीरस, क्या तुम्हें नहीं पता उन मॉर्टल की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ है? अगर उस मॉर्टल ने कभी इससे भी बड़ी बेवकूफी कर दी और वो जाके सीधा ग्रैंड प्रीस्ट या फिर जिनोसामा से लड़ने के लिए बोले तो क्या तुम उस पे भी मान जाओगे? तो हमें कुछ ना कुछ करके इसको रोकना ही पड़ेगा। और जिस पे बीरस मन ही मन सोचता है कि इन सभी की बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आ चुका था जब सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे यूनिवर्स इरेज हो चुके थे। और बीरस कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बीरस ये मनी मन करने में इतरा रहा होता है, लेकिन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव डालते हैं, जिसके बाद बीरस ये करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है, ठीक है मैं प्लेनेट अर्थ और उस सेन गोकू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और ये सुनने के बाद हम देखते कि वीस काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वीस कहता है कि क्या आखिर लॉर्ड बीरस ये सब करने के लिए कैसे मान सकते हैं? मुझे पता है कि हालांकि गोकू की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, लेकिन ये सब करना बिल्कुल सही नहीं होगा, आखिरकार ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चाहते हैं? और इसके बाद हम देखते वीस को जो कि अपना दिमाग लगाने के बाद एक बात कहता है,
मुझे पता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फैसलों के विरुद्ध नहीं जा सकता, लेकिन ये बात आप सभी को भी जान लेनी चाहिए। आप सभी को तो पता ही होगा कि गोकू जिनोसामा का कितना अच्छा दोस्त है। अगर जिनोसामा या फिर ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की फील होना बंद होगी या फिर उन्हें पता चला कि गोकू को खत्म कर दिया गया है, तो वो कितने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हो सकता है उसके बाद जिनोसामा सारे मल्टीवर्स को वापस से इरेज कर दे और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी, जो सुनने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चौंक जाते हैं। और बीरस कहता है, हाँ बीस, तुम शायद सही कह रहे हो, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। और तभी क्विटेला कहता है, तो बीरस तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो हमेशा हमेशा के लिए या तो मर जाए या तो जिंदा रहने के बाद भी उसकी की कभी भी कहीं पर भी सामने ना आए। जो सुनने के बाद बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, बीस क्या तुम्हारे पास आइडिया है। और तभी बीस कहता है, हाँ माय लॉर्ड बीरस, मैं जानता हूँ कि अर्थ में टाइम चेम्बर नाम की एक जगह है जहाँ पर वो लोग अगर चले जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए हम उनको वहाँ पर बंद कर सकते हैं, उस टाइम चेम्बर के मेन गेट को तोड़ के। और जो सुनने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ से चले जाते हैं। और जाते जाते चांपा कहता है, मेरे भाई बीरस, अब ये सब जो करना है वो तुम्हें ही करना है, और अब तुम जान गए हो कि तुम्हें क्या करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बीरस और वीस चले जाते हैं प्लैनेट अर्थ में और सभी लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां पर गोकू और वेजिटा नहीं होते। वेजिटा ट्रेनिंग करने के लिए कहीं पर गया होता है और साथ ही में गोकू इस टाइम पे किंग काई के प्लेनेट में होता है। और तभी बीरस उन सभी को बुला के कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम्हें एक मेरा बहुत ही बड़ा काम करना होगा और ये बात मैं तुम में से किसी से भी छुपाने नहीं वाला। तुम सभी को गोकू और वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए टाइम चेम्बर के अंदर बंद करना होगा और तुम्हें उसका गेट बाहर से तबाह कर देना होगा। जो सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिरकार आप ऐसा सोच भी कह सकते हो, क्यों आपको गोकू और वेजिटा को वहां पर बंद करना है। और तभी हम देखते हैं बुलमा को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि बीरसामा आपकी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, आप जानते हो कि हम ऐसा कभी भी नहीं करने वाले। और तभी हम देखते कि बीरस बिना कुछ बोले वहां पर हकाई का इस्तेमाल करके बुलमा को खत्म कर देता है, जो देखने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन सब में से पिकलो और गोहान अटैक करने के लिए आते हैं बीरस के ऊपर, लेकिन बीरस अपने एक ही अटैक से उन दोनों को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। और तभी बीरस कहता है कि मैं तुम सभी को वापस बता रहा हूँ कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, तुम मेरे सामने इज्जत से पेश आओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि पिकलो आगे आता है और कहता है कि ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। और तभी हम देखते हैं क्रिलिन को जो ही कहता है, हे पिकलो, आखिरकार तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। और पिकलो कहता है कि क्रिलिन मेरी बात को समझो, क्रिलिन तुम खुद सोच के देखो, दो जनों की जान या फिर हम सभी की, तो तुम्हें जरा इसमें दिमाग लगाना चाहिए। और हम देखते क्रिलिन एकदम शांत हो जाता है। और तभी हम देखते गोकू को जो कि किंग काई के प्लेनेट में होता है और किंग काई ये सब कुछ समझ जाते हैं कि आखिरकार लॉर्ड बीरस का क्या प्लान है। और तभी गोकू वहां से निकल रहा होता है और कहता है, ठीक है किंग काई, तो अब मैं यहां से जाता हूं, मैं आपसे मिलने बहुत ही जल्दी आऊंगा। और तभी किंग काई कहते हैं, गोकू मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा, चाहे कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो तुम्हारा जब चाहे तुम यहां पर आ सकते हो गोकू, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं गोकू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ये सारी बातों को सुन के और कहता है, आखिरकार आपके क्या कहने का मतलब है किंग काई, लेकिन छोड़ो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे उन सभी के पास लौटना पड़ेगा। और हम देखते गोकू वहां से चले जाता है और तभी हम देखते कि गोकू सीधा वेजिटा के पास पहुंचता है। और गोकू और वेजिटा को उस टाइम एक आवाज आती है जो कि कहती है, हे गोकू वेजिटा, मैं बीस हूँ, मैं तुम लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग करने वाला हूँ, तो तुम्हें जल्द से जल्द मुझे आके टाइम चेम्बर के बाहर मिलना पड़ेगा, हम वहीं पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर गोकू और वेजिटा इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सीधा चले जाते हैं टाइम चेम्बर के वहाँ, जहाँ पर उन्हें वीस मिलता है। और वीस कहता है, तो गोकू वेजिटा क्या तुम इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। और तभी हम देखते कि वहाँ पर डेंडे आता है और कहता है, वीस जैसा कि मुझको आपने बताया था वैसे मैंने सारे चेंजेस टाइम चेम्बर के अंदर कर दिए हैं। ये सुन के गोकू कहता है, हे डेंडे, आखिरकार आपने क्या क्या चेंजेस किए टाइम चेम्बर के अंदर, मुझे भी तो बताओ। और तभी डेंडे बताते हैं कि अब टाइम चेम्बर के अंदर एक दिन एक साल के बराबर होगा, जिस उनके गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है,
यस, इसका मतलब भी है कि हम और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। क्यों वेजिटा, तुम्हें क्या लगता है? और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि मनी मन में काफी ज्यादा टेंशन में होता है और कहता है, क्या करोट, मैंने बुलमा को काफी ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी, और अभी भी मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। जिस पे हम सभी देखते हैं वीस को, जो कि थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है कि नहीं तो चलो टाइम चेंबर के अंदर हम चलते हैं। और उससे पहले हम देखते कि वहां पर अचानक से क्रिलिन आ जाता है और कहता है, गोकू रुक जाओ, ये सब एक चाल है, ये लोग तुमको टाइम चेंबर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, देखा कैकरोट, मैंने कहा था ना कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी गोकू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्रिलिन, आखिरकार वीस हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। लेकिन तब भी हम देखते कि वहां पर बीरस आ जाता है और वो आते ही दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, तुम दोनों मॉर्टल आगे चलकर हमारे लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए बंद करने चाह रहा हूँ। और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपना पावर अप करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते कि बीरस क्रिलिन को वहीं पर खत्म कर देता है, जो देखने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में चले जाता है और कहता है, क्रिलिन नहीं, आखिरकार लॉर्ड बीरस, आप हम सबके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी बीरस कहता है कि ये सब मैं मेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हें तो याद ही होगा कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम सभी इरेज हो सकते थे, और आखिरकार मैंने बुलमा को भी ख़त्म कर दिया है वेजिटा, और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम अब ख़त्म होने ही वाले हो, तो तुम्हारे प्लेनेट वेजिटा को जिसने तबाह किया था तो उसको ऑर्डर भी मैंने ही दिया था। हाँ, फ्रीजा को मैंने ही ये ऑर्डर दिया था कि प्लेनेट वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जो सुन के गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और कहता है, क्या तुमने मेरी बुलमा को मार दिया, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते कि ये बोलते वो दोनों काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, लेकिन हम देखते कि बीरस अपने एक अटैक से उन दोनों को काफी दूर फेंकता है, जिससे उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, हमें अब ज्यादा देर गंवाना नहीं चाहिए, हमें इन्हें यहीं पर बंद कर देना चाहिए। और तभी हम देखते कि वीस के चेहरे में काफी ज्यादा दुखी दिख रही होती है, और तभी हम देखते कि जैसे ही वेजिटा की आंखें खुलती है, वो दोनों टाइम चेंबर के अंदर बेहोश पड़े होते हैं और पूरा का पूरा टाइम चेंबर का गेट को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो हम सभी देखते हैं कि अब गोकू और वेजिटा दोनों फाइनली टाइम चेंबर में बंद हो चुके होते हैं, और बाहर से वीस ने अपनी पावर की मदद से टाइम चेंबर के गेट को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जिसको होश आ जाता है टाइम चेंबर के अंदर, और वेजिटा कहता है, क्या आखिरकार उन गॉड्स ने हमें यहाँ पर बंद कर ही दिया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू भी धीरे धीरे करके होश आने लगता है, और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। और तभी वेजिटा कहता है, कैकरोट, उस गॉड बीरस ने हमें यहाँ पर बंद कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, और साथ ही में उसने बुलमा को भी खत्म कर दिया। और ये सुन के गोकू भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है, हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो, उस बीरस ने यहाँ तक कि क्रिलिन को भी खत्म कर दिया, वो भी हमारी आंखों के सामने, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, और हो सकता है कि उसने हमारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही किया होगा। तभी हम सभी देखते डेंडे को, जो कि बाहर पिकलो के साथ खड़ा होता है और कहता है, गोकू वेजिटा मेरी बात को ध्यान से सुनो। और ये सुनने के बाद गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे डेंडे, आखिरकार तुम्हारी आवाज यहाँ तक अंदर कैसे आ पा रही है, क्योंकि टाइम चेंबर का गेट तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और उसके बाद डेंडे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे पिकलो ने पहले ही सब कुछ बचा दिया था कि आखिरकार लॉर्ड बीरस का क्या करने का प्लान है, तो इसलिए मैंने टाइम चेंबर को थोड़ा सा अलग मॉडिफाई कर दिया था। लेकिन वीस की पावर्स के कारण अब तुम इससे बाहर तो नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उसने टाइम चेंबर की गेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन पिकलो और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हम सभी ने सारी की सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया है, और हम तुम दोनों को एक साथ मिलकर इमॉर्टल बना देंगे, तो तुम चिंता मत करना। साथ ही में हमने वहां पर तुम्हारे लिए काफी सारा खाना भी रख दिया है। जो सुनने के बाद हम देखते कि वो शेरोन की मदद से यहाँ पर गोकू और वेजिटा को इमॉर्टल बना देते हैं, और गोकू और वेजिटा को एक अजीब सी पावर का एहसास होने लगता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें भी ये फील हो रहा है, शायद उन्होंने हमको इमॉर्टल बना दिया है। और तभी हम देखते पिकलो को, जिसकी आवाज आती है, गोकू वेजिटा, हमें माफ कर देना कि हम तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन
अब तुम यहाँ पर कभी मर तो नहीं सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पीछे मैं इन सभी का जरूर ध्यान रखूंगा। और अब हम कभी भी आपस में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेंडे ने सिर्फ एक बार ही बात करने का जरिया ढूंढ लिया था। अब हो सकता है कि हमारी बात कभी भी नहीं हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि जब गोटेन और ट्रंक्स छोटे थे, उन दोनों ने अपनी पावर की मदद से टाइम चेंबर को डिस्ट्रॉय करके वो बाहर आ गए थे। तो अगर तुम भी ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं तुम भी ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे। और तभी हम देखते कि पिकलो की भी आवाज गोकू और वेजिटा को आनी बंद हो जाती है। और उसके बाद हम देखते कि ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो टाइम चेंबर से बाहर निकल नहीं पाते। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करो आखिरकार, ये क्यों नहीं हो रहा? हमने हमारी सारी पावर तो लगा दी थी, फिर भी हम टाइम चेंबर के बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तभी गोकू कहता है कि वेजिटा, शायद टाइम चेंबर के बाहर हम इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि वीस ने इसे बंद करा है। तो हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है इस टाइम चेंबर के अंदर बिताने के लिए, क्योंकि अब हम इमोर्टल हो चुके हैं। साथ ही में मैं अगर यहाँ से बाहर निकला तो उस बीरस को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें याद है उसने क्या कहा था कि हमारे प्लेनेट वेजिटा को भी उसने डिस्ट्रॉय करवाया था फ्रीजा के जरिए। और ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, तुम सही कह रहे हो, अब उस बीरस को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और तुम्हें याद है वीस ने कहा था कि अगर तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हें उसके भी आगे जाना पड़ेगा। और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी पावर के साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं टाइम चेंबर के अंदर। और देखते ही देखते टाइम चेंबर के बाहर तो कुछ दिन ही बीते होते हैं, लेकिन टाइम चेंबर के अंदर काफी साल बीत जाते हैं। और हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को। गोकू ने यहाँ पर अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट की पावर को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया होता है, और वेजिटा ने भी अपनी एक न्यू पावर को अचीव कर लिया होता है जो कि होती है अल्ट्रा ईगो। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, क्या क्रॉट, क्या तुम अब तैयार हो? क्योंकि इससे ज्यादा भी हमारे पास पावर है, तो अब हम उस बीरस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को एक साथ इकट्ठा करने लगता है और अल्ट्रा इंस्टेंट की मदद से वहां पर काफी सारे पोर्टल्स बना लेता है और कहता है, वेजिटा क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले। और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी गोकू और वेजिटा सबसे पहले जाते हैं अर्थ में। और वो देखते हैं कि अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है, लेकिन वहां पर पिकलो बच जाता है और पिकलो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और वो दोनों पिकलो के पास जाते हैं और गोकू कहता है, हे पिकलो, आखिरकार ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ऐसी कैसी हालत हो चुकी है? और तभी पिकलो बताता है कि गोकू, वेजिटा, तुम्हारे जाने के बाद वो बीरस वापस यहाँ पर आया था, और सिर्फ बीरस ही नहीं, वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी एक साथ यहाँ पर आए थे और हमारे प्लेनेट अर्थ को उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और सबको उन्होंने खत्म कर दिया है। चीची, गोटेन, गोहान, सबको उन्होंने मार दिया। और तभी हम देखते कि ये बोलने के बाद पिकलो भी वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देखने के बाद गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और गोकू कहता है, बीरस, आखिरकार तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की? और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और कहता है, क्या करो, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब मैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ने वाला, मैं चुन चुन को उन सभी को खत्म कर दूंगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा निकल जाते हैं बीरस के प्लेनेट के लिए। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं बीरस को, जो कि शांति से बैठा होता है और वीस को कहता है, हे वीस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी पावर्स हमारी तरफ आ रही है, लेकिन शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है क्योंकि मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। और तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ऐसे घबरा कैसे सकते हो? आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, तो आपको ऐसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते बीरस को, जो ही कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो वीस, आखिरकार मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है। तभी हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर बीरस को एक आवाज आती है और वो कहता है, हे बीरस, जरा पीछे मुड़ के तो देखो, आखिर तुम्हें घबराने की जरूरत कैसे नहीं हो सकती? और तभी हम देखते कि बीरस जैसे पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर गोकू और वेजिटा आ चुके होते हैं और बीरस इन दोनों को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या आखिरकार तुम उस टाइम चेंबर के बाहर कैसे निकले? और तुम्हारी की मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे लग रही है? और तभी गोकू कहता है, बीरस, तुम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार
हम किस लेवल के पावरफुल बन चुके हैं और तुम अब हमारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमने हमारी फैमिली के साथ किया है हम तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करने वाले। सबसे पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे और उसके बाद उन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। जो सुन के बीरस भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम मॉर्टल्स की आखिरकार ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है। तो आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर कितनी होती है। और तभी हम देखते गोकू और वेजिटा को जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वीस कहता है लॉर्ड बीरस आपको इन दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ कि इन दोनों की पावर काफी बढ़ चुकी है। और आप ये मत भूलना कि टाइम चेंबर के अंदर न जाने कितने साल गुजर गए होंगे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे। जो सुन के बीरस एकदम खामोश हो जाता है और बीरस गोकू और वेजिटा को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? उस टाइम चेंबर से तुम दोनों बाहर कैसे निकल पाए? वो तो वीस की पावर से बंद था। क्या इन मॉर्टल्स ने उस वीस की एंजल तक की पावर को सरपास कर दिया है? और तभी हम देखते वीस को जो कि गोकू और वेजिटा को देख के समझ जाता है कि इन दोनों के पास अब पहले से कई गुना ज्यादा पावर्स आ चुकी है। और वीस कहता है लॉर्ड बीरस जरा संभल के, मैं देख सकता हूँ गोकू और वेजिटा दोनों की ही पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पे बीरस कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है वीस, इन दोनों मोटर्स को आज मैं इनकी जगह दिखाऊंगा और मैं आज इन दोनों को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वेजिटा को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहता है बीरस आखिरकार तुम्हें कैसे लगा कि तुम हमें हरा भी सकते हो? तुमने हमारी फैमिली को मारा है तो हम तुम्हें बताएंगे कि आखिरकार असली सेंस की पावर क्या होती है। उसके बाद गोकू कहता है कि हाँ बीरस अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार हम तुम्हें कितनी ज्यादा नफरत करते हैं और तुमने हमारे साथ ये करने की सोची भी कैसे, और तुम्हारे बाद हम उन सभी गॉड्स को भी खत्म कर देंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपना थोड़ा सा पावर अप करते हैं, जो देखने के बाद बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिरकार इन दोनों के पास ऐसी कैसी पावर आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है बीरस की तरफ, लेकिन बीरस उससे आसानी से बच जाता है। जिसके बाद बीरस भी अटैक करने जाता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा वहीं पर खड़ा रहता है और उस वार को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन वेजिटा को कुछ भी नहीं होता, जो देख के बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसके बाद वेजिटा कहता है क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही पावर थी? अगर यही तुम्हारे पास है तो चलो मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। उसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपनी पावर अप करके अटैक कर देता है बीरस के ऊपर, जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है और बीरस को यकीन नहीं होता और वो कहता है क्या आखिरकार इस वेजिटा के पास इतनी पावर कैसे आ गई? और तभी वेजिटा कहता है बोलो मत बीरस, तुम देख रहे हो ये मेरी अभी पूरी पावर भी नहीं है तो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू भी आगे आ जाता है और कहता है हे वेजिटा मैं तुम्हें सिर्फ अकेले मजे लेने नहीं देने वाला। उसके बाद गोकू अपनी बेस फॉर्म में अटैक कर देता है बीरस के ऊपर, जिससे बीरस की हालत और भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और बीरस कहता है क्या ये दोनों अपनी बेस फॉर्म के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं? ये मुझे काफी बुरी तरीके से कैसे पीट सकते हैं? उसके बाद हम देखते गोकू और वेजिटा को, वेजिटा कहता है चलो कैकरोट अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं, इस डिस्ट्रॉयर के साथ हमने काफी खेल लिया, बाकी डिस्ट्रॉयर को भी उनकी जगह दिखानी है और उनको भी खत्म करना है। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा एक अपना काफी छोटा सा अटैक बनाने लगते हैं, जो देखने के बाद बीरस कहता है इस अटैक को तो मैं आसानी से रोक लूंगा लेकिन इन मॉर्टल्स के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ रखी है? और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा वो अटैक शूट कर देते हैं बीरस की तरफ, जो देखने के बाद वी समझ जाता है कि अटैक देखने में भले छोटा है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा है। और तभी हम देखते कि वीस उस अटैक के सामने आ जाता है और कहता है माय लॉर्ड बीरस आपको जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा क्योंकि ये अटैक दिखने में भले छोटा है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा है। और तभी हम देखते कि ये बोलते वीस के चेहरे पर एक स्माइल होती है और तभी वहीं पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे हम सभी देखते कि वीस मारा जाता है। और ये देखने के बाद बीरस काफी ज्यादा डर जाता है और बीरस कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर इन मॉर्टल्स ने एक एंजल को कैसे खत्म कर दिया? और तभी हम देखते कि बीरस वहां से भाग जाता है, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और गोकू कहता है देख रहे हो वेजिटा आखिरकार ये बीरस हमसे कैसे डर के भाग गया, चलो अच्छा ही है लगता है कि अब सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाएगा।
तो हमें अब एक एक करके सबको खत्म करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट तुम सही कह रहे हो, तो चलो हम भी इसके पीछे पीछे जाते हैं। और तभी हम देखते कि बीरस सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास पहुंच जाता है और हम सभी देखते कि बीरस की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जो देखने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, हे बीरस आखिरकार तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने कर दी? अब ये मत बोलना कि तुम किसी मोटा से लड़ते हुए इतनी गंदी तरीके से पिट चुके हो, तो हमें बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी हम देखते कि बीरस के चेहरे पे हम सभी को डर दिखाई देता है और वो कहता है, वो मॉर्टल गोकू और वेजिटा आजाद हो चुके टाइम चेम्बर से। जिसके बाद ये सुन के सारे गॉड ऑफ रिस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी चांपा कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? क्या तुम्हें पता है ना कि तुमने टाइम चेम्बर के अंदर उन्हें बंद कर दिया था और वो 20 जैसे एंजल्स की पावर से बंद थे, तो वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि वो उस एंजल की पावर को सरपास करके यहाँ पर आ सकते हैं। तभी हम सभी देखते कि हम सभी को आवाज सुनाई देती है और वो आवाज होती है, ओहो तो लगता है कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहीं पर है। तुम सही कह रहे थे कैकरोट, तो अब हमें इन सबको एक एक करके ढूंढना नहीं पड़ेगा, हम इन्हें यहीं पर खत्म कर सकते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा फाइनली वहां पर पहुंच चुके होते हैं और गोकू कहता है, बीरस तुमने हमारा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया, अब हमें सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चुन चुन के खत्म नहीं करना पड़ेगा, अब हम तुम सभी को यहीं कहीं खत्म कर देंगे। जो देखने के बाद बेलमोट कहता है, हे तुम मॉर्टल्स की आखिरकार इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तुम हम डिस्ट्रॉयर से ऐसे बात करो? ना ही ये बीरस तुम्हें वहां पर कैद कर पाया, ना ही ये बीरस तुम्हें खत्म कर पाया, तो अब हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके तुम दोनों मॉर्टल्स को यहीं कहीं खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद हम देखते कि वेजिटा और गोकू काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और वेजिटा कहता है, तुम हमसे अच्छा मजाक कर लेते हो बेलमोट, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम सभी को एक एक करके नहीं एक साथ मारेंगे और काफी दर्दनाक मौत देंगे। और साथ ही में हम तुम सभी को एक बात और बता दें कि अब वो तुम्हारा जिनोसामा भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता, अगर जिनोसामा भी हमारे बीच में आएंगे तो हम उन्हें भी खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहती है, हे आखिरकार तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जिनोसामा के सामने अपनी बराबरी कर सको? तुम जिनोसामा की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। और तभी हम देखते बीरस को जो कि काफी ज्यादा डरावा होता है और बीरस कहता है कि तुम इन दोनों को कम मत समझो, शायद ये सच कह रहे हैं, शायद ये दोनों उस जिनोसामा की बराबरी भी अब कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने 20 को खत्म कर दिया। जो सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बेलमोट कहता है, क्या आखिरकार ये नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे हो बीरस? तभी एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, हे ये कैसे हो सकता है, ये मॉर्टल क्या इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि इन्होंने एक एंजल को खत्म कर दिया है? और तभी हम देखते चांपा को जो कि कहता है, अच्छा तो इन्होंने एक एंजल 20 को खत्म कर दिया, शायद ये दोनों मोटर्स की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, लेकिन हमारे पास अब एक और रीजन आ चुका है इन दोनों मोटर्स को खत्म करने का, तो अब हमें ओमनी किंग से भी डरने की जरूरत नहीं है, तो अब हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। और तभी हम देखते बीरस को जो कि कहता है, तुम लोग इसे बहुत मजाक में मत लेना क्योंकि इन दोनों की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी हम देखते सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो सभी गोकू और वेजिटा को काफी गौर से देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी इस फाइट के लिए तैयार होते हैं और गोकू और वेजिटा के चेहरे पे जरा सा भी डर नहीं होता और गोकू कहता है, हे वेजिटा तो आज हम सारे के सारे डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देंगे और उसके बाद इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, लेकिन उससे पहले इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हम इतनी बुरी हालत कर लेंगे कि ये खुद भीख मांगेंगे कि इन्हें मार दिया जाए, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्यों है ना वेजिटा? और वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट तो चलो आज इन सभी डिस्ट्रॉयर को उनकी जगह दिखा दी जाए और आखिरकार फाइनली कुछ मोटर्स के हाथों आज ये सारे के सारे डिस्ट्रॉयर मारे जाएंगे और वो भी सीएंस के हाथों। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सुनके काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर इन दोनों मॉर्टल ने एक एंजल को कैसे खत्म कर दिया। उसके बाद हम सभी देखते हैं बेलमोट को जो कि कहता है कि अब एक और वजह मिल चुकी है इन मॉर्टल्स को मारने की, तो क्यों ना हम इन मॉर्टल्स को आज खत्म कर दें और अगर ग्रैंड जिनो हमारे सामने इसके बारे में पूछेंगे तो हम सिंपल बता देंगे कि इन्होंने एक एंजल को खत्म कर दिया।
और हम देखते कि ये सुनने के बाद सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आगे बढ़ने लगते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ। लेकिन तभी वो सभी एक बात को नोटिस करते हैं कि गोकू के पास तो वेजिटा है ही नहीं, और हम देखते कि दूसरी तरफ बीरस जमीन पे गिरा हुआ होता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि बीरस के पास खड़ा होता है और कहता है, हे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम तो मेरी स्पीड को ही नहीं देख सकते, तो आखिरकार तुम हमारा सामना कैसे कर पाओगे? और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा बीरस अब ज्यादा देर तक जिंदा रहने वाला है। और हम देखते कि वेजिटा ने बीरस की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी होती है। उसके बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सभी गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में चले जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा अल्ट्रा ईगो में, जो देखने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके ऊपर बेलमोड कहता है, क्या आखिरकार इन दोनों मॉडल्स ने इन पावर को इतनी आसानी से कैसे अचीव कर लिया? ये तो नामुमकिन है। तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जो कि कहता है, भले ही इन सभी ने इन पावर को अचीव कर लिया हो, लेकिन अब इनका खात्मा होना तय है। और हम देखते कि ये बोलते वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजिटा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा उनके हमले से काफी आसानी से बच जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है कि तुम सभी को क्या लगा था कि तुम हमें इतनी आसानी से खत्म कर दोगे और हम तुम्हारे हाथों ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद गोकू अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है जिससे काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहीं पर गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर वेजिटा भी अपना एक काफी बड़ा अटैक करके उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ फेंक देता है जिससे उन सभी को काफी ज्यादा चोट आती है। और ये सब देखने के बाद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर इन मॉडल्स के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? और तभी गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और वो कहते हैं, चलो अब लगता है कि तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और उसके बाद तुम में से अब कोई भी नहीं बचने वाला। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपना वापस से एक और काफी बड़ा अटैक बनाने लगते हैं जिसने उन्होंने बीरस को खत्म किया था, जो देखने के बाद बीरस कहता है, ये वही अटैक है जिससे इन दोनों सीएन ने उस एंजल बीरस को खत्म कर दिया था। जो सुनने के बाद बेलमोड कहता है, तो लगता है कि हमें अब फाइनली वो चीज करनी ही पड़ेगी जिस पे हम सभी देखते एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम वो चीज करें? क्योंकि वो हमने सिर्फ अभी तक एक बार इस्तेमाल करी है और हमें नहीं पता कि उसके वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स भी तबाह हो सकता है। जिस पे बेलमोड कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि हम इन दोनों मोटर्स के हाथों यहीं पर खत्म हो जाए? हमें वो चीज करनी ही पड़ेगी। और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा अपना वो अटैक उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तरफ शूट कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे गोकू और वेजिटा का वो अटैक वहां से गायब हो जाता है। और तभी हम सभी देखते एक न्यू शख्स जो कि हमारे सामने खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा उसको देख के कहते हैं, हे आखिरकार तुम कौन हो और वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर चले गए? जिस पे वो शख्स कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि हम उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन है और अब तुम दोनों मॉर्टल्स का आखिरी टाइम आ चुका है। हम तुमको बताएंगे कि आखिरकार असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर क्या होती है। जो सुनने के बाद वेजिटा कहता है, अच्छा तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे फ्यूजन करने से हम दोनों डर जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्यों कैकरोट? और तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कहता है कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि तुमने हमारे प्लेनेट अर्थ साथ ही में हमारी सारी फैमिली को खत्म कर दिया। उसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा तुम्हें आज पता चलेगा। भले तुम इस मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन में से एक क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों सीएंस तुमको बताएंगे कि आखिर हमारी फैमिली से उलझने का आखिरकार क्या परिणाम होता है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन अटैक कर देता है गोकू और वेजिटा की तरफ, लेकिन गोकू और वेजिटा उससे एक बार तो बच जाते हैं, जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा जरा संभल के, मुझे नहीं लगता कि हम इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, तो हमें इसे जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कहता है, हाँ कैकरोट शायद तुम सही कह रहे हो, इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, ये सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते जीनोसामा को। जीनोसामा को ये बात का पता चल चुका होता है कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में आपस में फ्यूजन हो चुका है और जीनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट,
आखिरकार ये सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर लिया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो ही कहते हैं कि हो सकता है कि ये काफी बड़ा खतरा उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा होगा, जिस वजह से उन्होंने आपस में फ्यूजन कर लिया है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो जिनोसामा, मैं जाता हूँ और वहाँ पर सब कुछ सही करके आता हूँ और आके मैं आपको सब कुछ सही सही बता दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट निकल जाते हैं जिनोसामा के पैलेस से उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाने के लिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि इस टाइम तक यहाँ पर फ्यूजन ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया होता है गोकू और वेजिटा को, जिससे गोकू और वेजिटा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है, कैकरोट मुझे लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी, हमें अपनी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को पहले मास्टर कर लेना चाहिए था, उसके बाद हमें इन सभी के पास आना चाहिए था। जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा शायद तुम सही कह रहे हो, हमें अपने उस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन को पहले मास्टर कर लेना चाहिए था, हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपस में फ्यूजन भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं उस फ्यूजन को, जो कि कहता है, तो मैंने जैसा कि कहा था कि तुम मॉर्टल्स हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कभी भी नहीं कर सकते, और अब मैं तुम्हारा काम यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हकाई का इस्तेमाल करता है गोकू और वेजिटा की तरफ, लेकिन तभी वो हकाई एनर्जी अचानक से गायब हो जाती है, जो देख के सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में फ्यूजन क्यों कर रखा है और तुम गोकू और वेजिटा से इस तरह से क्यों लड़ रहे हो? जिस पे वो फ्यूजन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट शायद आपको नहीं पता कि इन दोनों मॉर्टल से मिलके एंजल वीस को खत्म कर दिया है, और अब ये हम सभी को भी खत्म करने के लिए आए थे, जिस वजह से हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे थे। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या गोकू वेजिटा आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया? जिस पे गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आपको इन सभी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हम दोनों इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर देंगे। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन आखिरकार तुम ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो गोकू और वेजिटा? तुम्हें मालूम है ना कि अगर जिनोसामा को इसके बारे में पता चल गया तो फिर क्या क्या हो सकता है? जिस पे वेजिटा कहता है, हमें मालूम है ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि इन सभी ने मिलकर हम दोनों को टाइम चेंबर के अंदर बंद कर दिया था, और हमने वहां पर कई हजारों साल से हम उसके अंदर ही बंद थे, यहाँ पर तो कुछ दिन बीते थे लेकिन टाइम चेंबर के अंदर कई साल गुजर चुके थे, और इन सभी का प्लान था हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का, और साथ ही में इन्होंने हमारी फैमिली वालों को भी खत्म कर दिया है। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, हे आखिरकार तुम सभी ने इन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? जिस पे वो फ्यूजन कहता है, हमें माफ कर देना ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमें लगा था कि अगर ये दोनों मॉर्टल्स जिंदा होंगे तो वापस टूर्नामेंट ऑफ पावर या फिर जिनोसामा के साथ ये कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारा मल्टीवर्स वापस से इरेज हो जाएगा, तो हमें आपकी मदद चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट, और साथ ही में इन दोनों ने उस एंजल वीस को भी खत्म कर दिया है। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू वेजिटा मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन एक बार तुम्हें आकर हमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें ये सब नहीं फैसला उठाना चाहिए था। जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट अगर तुम भी अब हमारे बीच में तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को याद रखना, शायद तुम भूल चुके हो कि इन लोगों ने मिलकर हमारी फैमिली को खत्म कर दिया और अब हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये तुम दोनों सबसे बड़ी गलती कर रहे हो गोकू वेजिटा, और अब लगता है कि तुम्हें वहां पर भेजना पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर की मदद से गोकू वेजिटा को वहां से गायब कर देते हैं, जो देखने के बाद वो फ्यूजन कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट आखिर आपने उन दोनों को कहां पर भेज दिया? उन दोनों को आपको खत्म कर देना चाहिए था। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि तुम उसके बारे में चिंता मत करो, मैंने उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेजा है जहां पर एक एक दिन हजारों साल के बराबर है, तो वो वहां पर काफी आसानी से खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि गोकू और वेजिटा को मैं अपने हाथों से खत्म करूं, जिससे जिनोसामा को भी इसके बारे में पता चले, तो तुम लोग अब टेंशन मत लो, गोकू और वेजिटा अब यहाँ पर लौट के कभी भी नहीं आएंगे। उसके बाद हम सभी देखते कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अलग होकर अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी जिनोसामा के पैलेस में चले जाते हैं। और तभी हम देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि एक ऐसे डायमेंशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं जहां पर एक एक दिन कई सालों के बराबर था, और यहाँ पर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट
क्या तुम ये देख रहे हो? यहाँ की ग्रेविटी टाइम चेंबर से भी कई गुना ज्यादा है। और जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमने पहली बार तो गलती कर दी थी, लेकिन इस बार हम कोई भी गलती नहीं करने वाले। शायद ग्रैंड प्रिस्ट को नहीं पता था कि हम इमॉर्टल हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपनी उस पावर को मास्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ तक कि ग्रैंड प्रिस्ट और फिर जिनोसामा भी अब हमारे बीच में नहीं आ पाएंगे। जिस पे वेजिटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तो अब हमें अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए और उसके बाद उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हम खात्मा कर देंगे। तभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा फाइनली एक अब न्यू डायमेंशन के अंदर पहुंच चुके होते हैं, जहां की ग्रेविटी टाइम चेंबर से भी काफी ज्यादा होती है। और यहां पर गोकू और वेजिटा आपस में एक साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं अपनी न्यू फॉर्म को एकदम मास्टर करने के लिए। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को। ग्रैंड प्रिस्ट जिनोसामा के प्लेस में वापस से आ जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार वहां पर क्या चल रहा था? तुम्हें आने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? मुझे सब बताओ। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये बात सुनने के बाद आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट क्या बात है, सीधा सीधा बताओ। जिसमें ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं कि मैंने गोकू और वेजिटा को वहां पर भेज दिया है क्योंकि वो सभी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहते थे। ये सुनने के बाद जिनोसामा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार तुमने गोकू को वहां पर क्यों भेजा? जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा, उन दोनों ने मिलकर हमारे एक एंजल वीस को खत्म कर दिया था और साथ ही में वो सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी खत्म करना चाहते थे, जिस वजह से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आपस में बचने के लिए आपस में फ्यूजन कर लिया था। जो सुन के जिनोसामा को इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बातों से जिनोसामा को मना लेते हैं। और जिनोसामा को ग्रैंड प्रिस्ट ये नहीं बताते कि आखिर गोकू और वेजिटा के साथ इन लोगों ने क्या किया था। और उसके बाद हम सभी देखते हैं बीरस को, जो कि यूनिवर्स 7 में वापस आ चुका होता है। और बीरस मन ही मन सोच रहा होता है कि ये गोकू और वेजिटा, इन दोनों सेंस का कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि इन्होंने एक एंजल को ख़त्म कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये वहाँ से वापस आ जाए और हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर वापस अटैक करें। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये दोनों वापस लौट के आए तो मैं अकेला उन दोनों का सामना कर सकता हूँ। जिसके बाद हम सभी वापस ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट इस बात को सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये दोनों मॉर्टल्स अब इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं कि इन्होंने एक एंजल को ख़त्म कर दिया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये उस जगह से भी निकल कर आ जाएंगे, तो हमें इन सब के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग बिठानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर की मदद से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ बात करके वहाँ पर एक मीटिंग बिठवाते हैं। और हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर मौजूद होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को। गोकू और वेजिटा की पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या उसके बारे में तुमने सोचा है? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। भले ही हम दोनों ने अपनी उन पावर को मास्टर कर लिया है, लेकिन क्या फिर भी हम उस पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? जिस पे गोकू कहता है कि तुम टेंशन मत करो वेजिटा, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे हम यहाँ सीधा बाहर निकल सकते हैं। और तभी हम देखते कि गोकू अपनी जेब से एक चीज़ निकालता है और हम सभी देखते कि वही बटन होता है जिससे गोकू जिनोसामा के पास जा सकता है। जिस पे वेजिटा कहता है, तुम बेवकूफ कैकरोट, अगर तुम्हारे पास ये पहले से था तो तुमने इतने टाइम से हम सभी को टाइम चेंबर के अंदर बंद कैसे रहने दिया? जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं इसके बारे में ज़रा भूल गया था, लेकिन अब टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब हम सीधा यहाँ से जिनोसामा के पैलेस में जाएंगे और वहाँ से हम अपना बदला ले सकते हैं। जिस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट, मेरी इस बात को याद रखना कि हम वहाँ पर जा तो रहे हैं, लेकिन इस बार हमारी गलती की वजह से कोई भी एंजल या फिर ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा से हमें फाइट नहीं करनी है, हम सिर्फ उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं। जिस पे गोकू कहता है कि तुम टेंशन मत करो वेजिटा, मुझे मालूम है कि हमें क्या करना है। जिसके बाद हम सभी देखते कि ये बोल के गोकू काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है, जिसमें वेजिटा भी ये देख के थोड़ा बहुत चौंक जाता है और मन ही मन कहता है, ये कैकरोट को क्या हो चुका है? ये आजकल थोड़ा अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है?
जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू उस बटन को दबा देता है, जिसके बाद गोकू और वेजिटा सीधा जिनोसामा के पैलेस में पहुंच जाते हैं और जिनोसामा गोकू और वेजिटा को देख के चौंक जाते हैं और जिनोसामा कहते हैं, गोकू वेजिटा आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे तो ग्रैंड पीच ने बताया था कि उसने तुम्हें किसी और डायमेंशन के अंदर भेज दिया है। जिसके बाद गोकू कहता है, हे जिनोसामा आप क्या भूल चुके हो? आपका दिया हुआ बटन मेरे पास अभी तक था जिससे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, हम आपसे या फिर ग्रैंड प्रिंस के साथ कुछ भी नहीं करने हैं, हम सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आए हैं। जो सुन के वेजिटा भी चौंक जाता है और कहता है, कैकरोट मैंने तुम्हें कहा था ना, इन सब में ग्रैंड प्रिंस और जिनोसामा को यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। जिसपे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा ठीक है। और हम देखते हैं जिनोसामा को जो कि काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू वेजिटा आखिर तुमने एक एंजल को खत्म क्यों कर दिया जिसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाने वाला, लेकिन फिर भी मुझे उसका कारण बताओ क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ने मुझे उसका कारण नहीं बताया था। जिसके बाद गोकू कहता है, क्या ग्रैंड प्रिंस ने आखिर आपको ये सब क्यों नहीं बताया? मैं आपको बता दूं कि हम वहां पर उस बीरस को मारने गए थे, ना कि उस एंजल को। वीस अपनी बेवकूफी की वजह से खुद मारा गया है। जिसपे जिनोसामा कहते हैं, गोकू आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले से काफी ज्यादा बदले बदले से लग रहे हो और तुमने एक एंजल को फिर भी क्यों मारा, और आखिर तुम बीरस को मारने के लिए वहां पर क्यों गए थे? जिस पे गोकू कहता है, जिनोसामा आपको नहीं पता कि हम दोनों के साथ उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलकर क्या किया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद उन सभी ने हमें एक टाइम चेंबर के अंदर बंद कर दिया था, और टाइम चेंबर के अंदर यहाँ का कुछ समय वहाँ के कुछ सालों के बराबर होता है, जिस वजह से हम वहां पर काफी लंबे सालों से बंद थे। जिसके बाद वेजिटा कहता है, हाँ सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मिलके हमारे प्लैनेट को भी तबाह कर दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे दोस्तों को भी उन सभी ने खत्म कर दिया। जो सुनके जिनोसामा कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है कि उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन गोकू और वेजिटा तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने नहीं आओगे, ये मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें उन सभी के पास लेकर जाऊंगा। और तभी हम सभी देखते कि जिनोसामा और गोकू वेजिटा वहां पर चले जाते हैं जहां पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ग्रैंड प्रिंस आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी जिनोसामा जैसे ही वहां पर आते हैं, ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जिनोसामा आप यहां पर कैसे आ गए? मैंने कहा था ना कि आपको यहां पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वहां पर हमको एक भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं दिखता, जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिंस आखिर सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहां पर चले गए? और तभी हम सभी को एक आवाज आती है, हे ग्रैंड प्रिंस वो बीरस कहां पर है? और तभी हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा उन सभी के सामने आ जाते हैं, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिंस भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हमको एक और आवाज आती है, वो आवाज होती है कि हम सभी को मालूम था कि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो। और तभी हम सभी देखते कि वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन भी वहां पर मौजूद होता है, जिसको देखने के बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, किजिनोसामा मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पता चल चुका था कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि ये दोनों चुपचाप यहाँ पर सिर्फ हमारी मीटिंग देखते रहेंगे? ये जरूर उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे, तो इसीलिए मैंने उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फ्यूजन करने के लिए बोल दिया था। और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को जो कि आगे आके अपना पावर अप कर लेते हैं और कहते हैं, जिनोसामा हमें माफ कर देना, लेकिन हम इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं छोड़ने वाले। और ये देखने के बाद जिनोसामा भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, गोकू वेजिटा तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था, आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो? जिसपे हम सभी देखते गोकू को जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कहता है, जिनोसामा ये मत समझना कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे तो मैं आपको भी छोड़ दूंगा। अगर आप मेरे इस काम में बीच में आने की गलती करते हो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको भी खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद जिनोसामा भी काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ जिनोसामा कि अब इनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या आप भी ये महसूस कर सकते हैं? अभी हम सभी देखते हैं जिनोसामा को जो कि कहते हैं, गोकू वेजिटा तुम दोनों बहुत गलत करने जा रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं इन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने तरीके से संभाल लूंगा, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसपे हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और कहता है, जिनोसामा इन सभी के लिए अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाले, तो वेजिटा तुम इसे खत्म करने जा रहे हो या फिर इसे मैं खत्म करूं? इस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट ये सब मेरे शिकार हैं, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अगर कोई मारेगा तो वो मैं होऊंगा, तो तुम अब पीछे हो जाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मेरी बात को याद रखना, अगर तुमने ज्यादा देर लगाई
तो मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट, तो अब तुम पीछे हो जाओ। और हम देखते हैं कि ये बोलते ही वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है और अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है। ग्रैंड प्रिंस भी ये देख के चौंक जाते हैं कि आखिर वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो फॉर्म को कैसे अचीव कर लिया। जिसके बाद हम सभी देखते सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन आगे बढ़ के वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा उस वॉर से आसानी से बच जाता है, जो देखने के बाद वो फ्यूजन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या पिछली बार तो ये मॉर्टल हमारे इस अटैक से नहीं बच पाया था, और आखिरकार इस बार ये कैसे बच गया। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा आगे बढ़कर एक अटैक करता है, जिससे वो फ्यूजन काफी दूर जाके गिरता है और इस एक अटैक से फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है, जो देख के सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि हम हर बार आएंगे और तुम लोगों से ऐसे पिट जाएंगे, लेकिन इस बार तुम सभी को मैं खत्म करके रहूंगा। और ये बोलते हम देखते कि वेजिटा अपना एक और अटैक करता है इस फ्यूजन के ऊपर, लेकिन इस बार वो फ्यूजन इस अटैक से बच जाता है। उसके बाद वो फ्यूजन भी काफी सारे अटैक लगातार करने लगता है वेजिटा के ऊपर, लेकिन वेजिटा इन सभी अटैक से बचता रहता है। लेकिन एक अटैक आके लगता है वेजिटा के, जिससे वेजिटा कुछ दूर जाके गिरता है, जिसपे गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम इसे नहीं हरा पा रहे? तो मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा अगर तुम कहोगे तो। उसके बाद वेजिटा कहता है, रुक जाओ कैकरोट, तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं जिनोसामा का एक गार्ड आगे आता है, लेकिन उसे बीच में गोकू रोक देता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म पे चले जाता है। और ये देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल जाती है कि पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुक जाओ, तुम इसका सामना नहीं कर सकते, तो इसलिए अभी पीछे हट जाओ, अभी ये सही टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद जिनोसामा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सभी फ्यूजन के बीच में एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जो देखने के बाद जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट दोनों के दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या सच में इस मॉर्टल के पास भी इतनी ज्यादा पावर हो सकती है कि ये उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को टक्कर दे रहा है? उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा एक काफी बड़ा अटैक कर देता है उस फ्यूजन की तरफ, जिससे उस फ्यूजन को काफी ज्यादा चोट आती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद वो फ्यूजन कहता है, क्या ये वेजिटा के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो जैसा कि मैंने कहा था, अब तुम सभी का अंत आ गया है, अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपने काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है और वो उस फ्यूजन की तरफ लॉन्च कर देता है। और फ्यूजन समझ जाता है कि अगर ये अटैक उसके लगा तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से बीच में आ जाते हैं और उस अटैक को बड़ी आसानी से हटा देते हैं और कहते हैं, गोकू वेजिटा, अब बहुत हो चुका है, हमें मालूम है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मन में आए वो करोगे और तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करने जाओगे। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि अचानक से उस फ्यूजन के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। और तभी हम सभी देखते कि उस फ्यूजन के पास गोकू खड़ा होता है और हम देखते हुए फ्यूजन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि गोकू ने अपना हाथ उस फ्यूजन के छाती के आर पार कर दिया होता है। जिसके बाद वो फ्यूजन कहता है, क्या इस मॉर्टल के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे? आखिर इसने अपनी इस फॉर्म में हम सभी फ्यूजन को कैसे सरपास कर दिया? जिसके बाद हम सभी देखते कि ये देख के सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जिनोसामा भी कहते हैं, ये वो गोकू नहीं है जिसे मैं जानता था, ये तो बिल्कुल अलग बन चुका है। जिसके बाद हम सभी देखते कि वो फ्यूजन नीचे गिर के धीरे धीरे करके पूरी तरीके से गायब हो जाता है और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, कैकरोट, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये फ्यूजन मेरा शिकार है। जिसपे गोकू कहता है, हे वेजिटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने ज्यादा देर करी तो मैं इस फ्यूजन को खुद ही खत्म कर दूंगा, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें भी खत्म कर दूं? तो इसलिए चुपचाप हो जाओ। जो देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये कैकरोट को अचानक से क्या हो गया, ये ऐसी बातें क्यों करने लगा, ये कैकरोट धीरे धीरे करके इतना बदलता कैसे जा रहा है? जिसके ऊपर हम सभी देखते जिनोसामा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और कहते हैं, गोकू तुम भले ही मेरे दोस्त हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में तुम करोगे और मैं इस मल्टीवर्स का किंग तुम्हें ऐसा ही कुछ भी करते रहने दूंगा, तो इसीलिए अब लगता है कि तुम्हारा टाइम भी आ चुका है। जिसके बाद गोकू कहता है, हे जिनोसामा, आपको क्या लगता है कि आप मुझे इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? मैंने तो अभी सिर्फ उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन को खत्म करा है, अगर आप भी अब मेरे रास्ते के बीच में आते हो तो
तो मैं तुम्हें भी बड़ी आसानी से खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद जिनोसामा का गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, हे तुम ऐसे जिनोसामा से बात नहीं कर सकते। आज तक कभी भी किसी ने जिनोसामा के साथ में ऐसे बात करने की बिल्कुल भी सोची नहीं है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो ही कहते हैं, तुम लोग जरा शांत खड़े रहो। गोकू क्या हो रहा है तुम्हें? आखिरकार तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि एकदम शांत खड़ा रहता है। और उसके बाद जिनोसामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो कहते हैं, गोकू मैं जानता हूं कि तुम एक टाइम पे मेरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मैं जिस गोकू को जानता था वो ऐसा कभी भी बिल्कुल भी नहीं करता। तो तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ तो आपको ऐसा लगता है, तो ठीक है, आपको जो करना है वो करो जिनोसामा, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। तभी हम सभी देखते हैं विजिटा को, जो ही कहता है, ये कैकरोट की पावर धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा अलग क्यों होते जा रही है? और साथ ही में और कैकरोट की जो की पुरानी पावर थी, ये उससे बिल्कुल भी अलग नजर आ रही है, तो ऐसा क्या हो रहा है इसके साथ? जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं जिनोसामा को, जो ही कहता है, गोकू अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुमने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद जिनोसामा अपना एक हाथ ऊपर करते हैं और हम सभी जानते हैं कि अब जिनोसामा गोकू को हमेशा हमेशा के लिए इरेज करने वाले थे। और हम देखते हैं कि जिनोसामा अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहां पर कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन अगले पल हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी आती है और उसके अंदर से गोकू बाहर आता है, जो कि अब अपने न्यू फॉर्म के अंदर होता है। जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी चौंक जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट को ही पता चल जाता है कि ये फॉर्म गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जो देखने के बाद जिनोसामा भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता? आज तक कभी भी कोई भी मॉर्टल जिनोसामा के इस अटैक से कभी बच नहीं पाया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गोकू इससे कैसे बच गया? जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अब बिल्कुल ही अलग लग रहा होता है और कहता है, हे जिनोसामा मैंने आपसे कहा था ना कि अब आप भी मुझे खत्म नहीं कर सकते हो, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब आपको भी खत्म कर दूंगा, साथ ही में आपके दोनों गार्ड्स और फिर इस ग्रैंड प्रिस्ट को भी। जो देख के सभी के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या ये कैकरोट, तुम्हें क्या हो रहा है? ये सब हमारे प्लान में नहीं था, क्या तुम भूल चुके हो? जो सुनने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर तुम भी अब मेरे बीच में आते हो तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तो तुम तैयार हो क्या जिनोसामा? क्योंकि मैं अब तुम सभी को खत्म करने वाला हूँ। और गोकू कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता, तो अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम में से अब कोई भी मेरे रास्ते में मत आना। और जैसा कि मैंने कहा जिनोसामा, अगर आप भी मेरे रास्ते में अब आते हो तो मैं आपको भी खत्म करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट आगे आते हैं और कहते हैं, गोकू मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सभी फैमिली मेंबर और तुम्हारे प्लेनेट को वापस से रिवाइव कर दूंगा, तो तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, हे कैकरोट आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट हमारे सारे के सारे प्लेनेट और सभी मेंबर्स को वापस से रिवाइव कर देंगे, तो अब तुम्हें यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि गोकू अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है और जिनोसामा ये देख के समझ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट मुझे लगता है कि गोकू के साथ वो हो चुका है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? और क्या तुम्हें भी वही लगता है? और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा मैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि गोकू के पास इतनी जल्दी वो सब चीजें आ सकती है, और सच में गोकू उस स्टेज पे जा सकता है, लेकिन मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने पावर की मदद से प्लेनेट अर्थ को वापस से रिवाइव कर देते हैं। और जो देखने के बाद वेजिटा भी कहता है, कैकरोट अब हमारा प्लेनेट अर्थ वापस से आ चुका है, क्या तुम उन सभी की पावर को महसूस कर सकते हो? क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, तो अब तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो देखने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अगर मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, अब तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाते हैं कि जिनोसामा एकदम सही कह रहे थे और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा आप एकदम सही कह रहे थे, तो अब हमें गोकू को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। और तभी हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट आगे आते हैं और कहते हैं, गोकू मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये सही समय नहीं है ये सब करने का, तुम्हें अपने मन को एकदम शांत करना पड़ेगा।
और तभी हम सभी देखते कि गोकू आगे बढ़ के अटैक कर देता है ग्रैंड फिस्ट के ऊपर, जो ग्रैंड फिस्ट बिल्कुल भी नहीं देख पाते और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड फिस्ट को जो कि कहते हैं, गोकू मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा, मैं अभी भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो। और तभी गोकू हंसते हुए कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट मुझे क्यों लग रहा है कि आप एक मॉर्टल से डर रहे हो, अगर आप में इतनी ही ताकत है तो आगे आके मुझसे क्यों नहीं लड़ते। जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि गोकू अभी अपने होश में नहीं है तो तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जीनोसामा मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गोकू अब हम सभी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो मुझे ये करने दीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और आगे बढ़ के अटैक करने लगते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के उस वार से आसानी से बच जाता है। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता, आज तक कोई भी मॉर्टल मेरे अटैक से बच नहीं पाया है, लेकिन गोकू लगता है कि वो सब धीरे धीरे करके सच होता जा रहा है। तो और तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है और इसी हमले से ग्रैंड प्रीस्ट काफी दूर जाके गिरते भी हैं। और तभी हम सभी देखते हैं जीनोसामा को जो कि कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट तुम्हें यह सब रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं रोका तो गोकू के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपना पावर अप करके गोकू के सामने चले जाता है और कहता है, कैकरोट हमारा सिर्फ इतना ही प्लान था कि हम उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे, तो तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि कहता है, वेजिटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे बीच में मत आओ, लेकिन तुम लगता है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाले। जिसके बाद हम सभी देखते कि यहाँ पर गोकू अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर कैकरोट ये सब कर सकता है। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को जिनकी हालत अभी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होती है, और ग्रैंड प्रीस्ट जीनोसामा से कहते हैं, जीनोसामा अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो आपको पता है कि क्या है, तो अब हमें गोकू को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस पूरे मल्टीवर्स में एक काफी बड़ा खतरा आ सकता है, ये आपको भी मालूम है। और तभी हम सभी देखते जीनोसामा को जो कि कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट अब तुम पीछे हो जाओ क्योंकि गोकू को अब मैं संभालने वाला हूँ। जो देखने के बाद गोकू कहता है, ओ अच्छा जीनोसामा, तो अब आपको भी लगता है कि आप जैसा एक बच्चा मुझे रोक सकता है, तो ये आपकी कितनी बड़ी गलतफहमी है, तो आ जाओ मैं आपकी इस गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ एक ओमनी किंग को खत्म करके। जो देखने के बाद जीनोसामा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि जीनोसामा अपने दोनों गार्ड्स के साथ मर्ज होके अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, गोकू तुम्हें क्या लगा था कि मैं ओमनी किंग सिर्फ एक इसी कारण से हूँ कि मैं सबको इरेज कर सकता हूँ, तुम अभी मेरी असली ताकत के बारे में जानते भी नहीं हो। जो देखने के बाद गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये इसका असली रूप है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीनोसामा इस हद तक पावरफुल हो सकते हैं। तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा के पास जाते हैं और वेजिटा को कहते हैं, वेजिटा मुझे बताओ कितने टाइम से जब तुम टाइम चेंबर के अंदर बंद थे और जब मैंने तुम दोनों को उस डायमेंशन के अंदर भेजा था, क्या तुम्हें गोकू के अंदर कभी भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला था। जो सुनने के बाद वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, कैकरोट बार बार अलग अलग तरीके से बिहेव करता रहता था, लेकिन मुझे लगा कि कैकरोट बुद्धू है, इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे बताओ ग्रैंड प्रीस्ट, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो जैसा कि हम लोगों को लगा था ये बात सच है, गोकू ने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है और गोकू के अंदर अब एक ऐसा शख्स पैदा हो चुका है जो कि हर किसी से नफरत करता है, और ये उसी शख्स के साथ हो सकता है जिसने एक टाइम पे अपना सब कुछ खो दिया हो और उसके अंदर एक बदले की भावना हो, तो सच में गोकू अब एक अलग इंसान बन चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गोकू के साथ ऐसा कैसे हो चुका है। तभी वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट ने हम सभी के लिए बहुत कुछ हर बार किया है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ करके कैकरोट के साथ हर किसी ने गलत ही किया है, शायद इस वजह से कैकरोट अपने आप को खो चुका है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा जिससे हम कैकरोट को वापस ला सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि शायद ऐसा वेजिटा नहीं होने वाला, क्योंकि गोकू अब उस लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि गोकू अब उस लेवल पे जा पहुंचा है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। गोकू ने एंजल्स के ऊपर की पावर हासिल कर ली है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके पास इन्फिनिट पावर आ जाती है, तो सच में गोकू अब गोकू नहीं रहा।
जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा आगे बढ़कर गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाता है उस एक अटैक से ही। और गोकू हंसते हुए कहता है, अच्छा जिनोसामा तो अब आप भी मेरे सामने आ ही चुके हो। और हम देखते हैं कि गोकू और जिनोसामा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और धीरे धीरे करके कई सारे क्रैक आने लगते हैं। और जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा आपको पता है ना कि अगर आप अपनी पूरी पावर लगाओगे तो पूरा मल्टीवर्स सिर्फ नहीं तबाह होगा, यहाँ तक कि वो सारे क्रैक्स भी ओपन हो जाएंगे जहाँ पर उन सभी को सील कर रखा है। जो सुनने के बाद जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट मुझे पता है तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और हम देखते हैं कि जिनोसामा अचानक से गोकू के पीछे आ जाते हैं और गोकू के ऊपर एक अटैक करते हैं जिससे गोकू बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता और गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे गोकू की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या हमें ये सच में करना चाहिए, क्या हमें गोकू को सील करना पड़ेगा? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट हमें ये करना पड़ेगा, मैं खुद तो ये नहीं चाहता लेकिन अब गोकू नहीं रहा और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो ये पूरे मल्टीवर्स के लिए एक खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और गोकू को एक जगह पर सील कर देते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि गोकू ज्यादा देर तक उसके अंदर सील नहीं रहेगा क्योंकि गोकू के अंदर अब काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। और ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा तुम्हें अब अपने प्लेनेट अर्थ में चले जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि गोकू शायद हो सकता है कि ज्यादा देर तक सील ना रहे क्योंकि हमने आज तक कभी किसी को सील नहीं करा और गोकू वो पहला शख्स है जिसको हमने सील करा था, तो इसीलिए तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें कैसे ना कैसे करके गोकू के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। हमें मालूम है कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल तो होगा लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। और साथ ही में गोकू के सारे फैमिली मेंबर को बता देना कि आखिर गोकू के साथ क्या हुआ है और ये तुम्हें उन सभी को एकदम सच सच बताना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा वहां से चले जाते हैं, साथ ही साथ वेजिटा भी प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। और वेजिटा कहता है, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकरोट के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, आखिर मैं सबको ये सब कैसे बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि कैकरोट वापस लौट के जरूर आएगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि एक अलग सी जगह पर आ चुका होता है और मन ही मन कहता है कि मुझे मालूम है ग्रैंड प्रिस्ट कि आप और जिनोसामा मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक सील करके नहीं रह सकते, तो आप चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलकर आप सभी के पास आऊँगा। और साथ ही में वेजिटा को भी नहीं पता कि मेरे पास मेरी एक और नई शक्ति है जिसको आज तक ना ही वेजिटा ना ही ग्रैंड प्रिस्ट आपने देखा होगा, तो मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा, तो आप उसके लिए तैयार रहना। जिनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा। तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ वेजिटा प्लेनेट अर्थ में पहुंच चुका होता है, दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को जिसको जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिलकर एक जगह पे सील कर दिया होता है। और तभी गोकू कहता है, ये लोग मुझे यहाँ पर ज्यादा देर तक सील करके नहीं रख सकते, मेरे पास अब पहले से कई गुना ज्यादा ताकत आ चुकी है, साथ ही मैंने अपनी इनको पूरी ताकत अभी तक नहीं दिखाई, तो मैं जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और इन लोगों के पास वापस जाऊंगा। तभी हम सभी देखते कि गोकू को अचानक से एक आवाज आती है कि आखिरकार गोकू ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिल जाएगा? और गोकू कहता है, तुम कौन हो, जरा मेरे सामने आओ। और उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कि जिनोसामा के साथ बात कर रहे होते हैं और कहते हैं, जिनोसामा क्या आपको लगता है कि हम गोकू को वहां पर ज्यादा देर तक सील कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि वो इतनी आसानी से वहां पर बैठे नहीं रहने वाला और उसके पास शायद पहले से भी काफी ज्यादा ताकत आ चुकी है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं जिनोसामा को जो कि कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट मुझे भी नहीं लगता कि वहां पर गोकू ज्यादा देर तक कैद में रह सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ करके गोकू को वापस पहले जैसा करना ही पड़ेगा और उसके लिए हो सकता है हमें ड्रैगन बॉल की भी जरूरत पड़ जाए। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं जिनोसामा मुझे नहीं लगता कि ये चीज करने में हमको ड्रैगन बॉल की मदद चाहिए होगी, मैं खुद जाऊंगा और गोकू से इसके बारे में बात जरूर करूंगा। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि प्लेनेट अर्थ में सभी से मिल रहा होता है और तभी वहां पर हर कोई पूछता है कि आखिरकार गोकू कहां पर है। और तभी हम सभी देखते हैं गोहान को जो कि कहता है, हे वेजिटा आखिर मेरे डैड कहां पर है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहान मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैकरोट अब पूरी तरीके से बदल चुका है, उसने इस पूरे मल्टीवर्स के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी खत्म कर दिया है। जो सुनने के बाद गोहान और बाकी सारे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोहान कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आखिरकार फिर भी डैड ने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, जब उस बीरस ने मुझे और कैकरोट को
वहाँ पर टाइम चेम्बर के अंदर बंद कर दिया था। तब हम दोनों ने फैसला करा था कि हम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन न जाने क्यों कैकरोट अब पूरी तरीके से बदल चुका है। इसलिए जिनोसामा और ग्रैंड पीस ने मिलकर उसे एक जगह पे सील कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जिनोसामा और ग्रैंड पीस के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिस वजह से अभी के टाइम पे अगर हमारे लिए सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो कैकरोट है। जो सुनने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोटेन कहता है, नहीं डैड ऐसा नहीं कर सकते, अब हम डैड से आखिर कब मिल पाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहन मेरी बात को याद रखो कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा खतरा हमारे पास आने वाला है, ऐसा जिनोसामा ने मुझे बताया था। साथ ही में कैकरोट भी ज्यादा देर तक वहां पर सील में नहीं रहेगा, वो भी आजाद जरूर से हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते गोहान को जो कि कहता है, मुझे पता है वेजिटा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ट्रेनिंग करके ज्यादा पावरफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी जगह डैड भी होते तो वो यही करते, तो मैं तैयार हूँ वेजिटा। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि ट्रेनिंग करने के लिए चले जाता है टाइम चेम्बर के अंदर, और मन ही मन कहता है, जैसा कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि मुझे ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर कोई कैकरोट को रोक सकता है तो वो मैं और गोहान ही है, तो अब मुझे भी और ताकतवर होना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर जाके काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते एक अनजान शख्स को जो कि आजाद हो चुका होता है और कहता है, क्या बात है, इतने टाइम बाद आखिरकार मैं आजाद हो ही चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कौन सा शख्स है जिसने लॉर्ड जालामा की सील को तोड़ दिया, तो चलो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन एक सेकेंड, मुझे काफ़ी बड़ी पावर मेरे आसपास ही सेंस हो रही है, क्या ये एक मॉर्टल है। तभी हम सभी देखते कि वो शख्स चले जाते एक सील के पास और उस सील के अंदर ही गोकू होता है। उसके पास आने के बाद वो शख्स कहता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बंद क्यों हो, क्या तुम एक मॉर्टल हो। जो आवाज सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे से बात कैसे कर पा रहे हो, मुझे तो ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा ने सील के अंदर बंद कर रखा है। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, मेरा नाम मोरो है और आखिर तुम यहाँ पर बंद कैसे हो सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें यहाँ पर बंद क्यों कर दिया है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि कहता है, कि ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, और तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो और तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिसके बाद मोरो कहता है कि ठीक है तुम मुझे मत बताओ, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन से प्लेनेट से हो, तो मैं अब वहीं पर जाने वाला हूँ, हो सके तो मुझे रोक लो, तो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हम सभी देखते कि मोरो प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है और मोरो के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो फ्यूचर को देख सकता है। और तभी हम सभी देखते कि मोरो प्लेनेट अर्थ में पहुंच जाता है और कहता है, वाह जितना मैंने सोचा था, यहाँ पर तो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल मॉर्टल एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी पावर ले सकता हूँ, उसके बाद मैं अपने साथियों को भी जिंदा करूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि मोरो वहाँ पर तबाही मचाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोहान आ जाता है और गोहान ये सभी देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने ये सब क्यों कर रखा है। जिसके ऊपर मोरो कहता है, ओ जैसा कि मुझे लगा था, एक मॉर्टल जिसके पास ताकत है, तो मैं इससे थोड़ी पावर ले सकता हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा तो पावरफुल हो ही जाऊंगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि मोरो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुहान के अंदर की पावर खींचने लगता है और गुहान इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मोरो ने ये सब काफी जल्दी कर दिया था। और गुहान कहता है, ये आखिर क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा, इसने ऐसा क्या कर दिया। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि टाइम चेम्बर के अंदर से बाहर आ चुका होता है, और आते ही वेजिटा को एक अजीब शक्ति का एहसास होता है और वेजिटा कहता है, ये अजीब सी पावर कहाँ से आ रही है और गोहान की शक्ति लगातार इतनी ज्यादा कम कैसे होती जा रही है। और हम देखते कि ये बोलती वेजिटा जल्द से जल्द गोहान के पास जाने के लिए निकल चुका होता है। और जैसे ही वेजिटा वहां पर पहुंचता है, हम सभी देखते कि वेजिटा आते ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वो शख्स वहां से हट जाता है और तभी वो गोहान को भी छोड़ देता है। और वो शख्स कहता है, तो एक और मॉर्टल जो इतना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन एक सेकेंड, क्या तुम्हें नहीं पता
कि एक बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। मैं उस शख्स की पावर ले रहा था ना, तो तुम मेरे बीच में कैसे आए? जिसके बाद वेजिटा कहता है, गोहन क्या तुम ठीक हो, और आखिर ये शख्स कौन है? जिसके ऊपर गोहन कहता है, मुझे भी नहीं पता वेजिटा, लेकिन इसने मेरी सारी शक्तियों को सोख लिया है। अब मेरे पास बहुत कम ही ताकत बची है, तो मैं इसका शायद अब मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहन तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ यही है कि तुम इतनी जल्दी हार मान लेते हो। अगर तुम इसे कुछ भी नहीं करोगे तो इसे मैं ही खत्म कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ पर आया क्यों है? जिसके बाद मोरो कहता है, रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे तुम लोगों का एक दोस्त मिला था कि एक मॉर्टल ही था, और उसके पास भी तुम दोनों जैसी ही कुछ शक्तियाँ थी। उसके पास से मुझे पता चला कि वो इसी प्लेनेट से है, तो मैं यहाँ पर आ गया, और अब मुझे अपनी थोड़ी बहुत पावर तो मिल ही चुकी है, तो मैं इससे लड़ तो सकता ही हूँ। और वेजिटा कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मैं कौन हूँ? बहुत ही अच्छा सवाल था, तो मैं तुम्हें एक ही बात बता सकता हूँ कि मेरा नाम मोरो है। वैसे मैं तुमको एक बात बताना भूल ही गया, यहाँ पर आने से पहले मैं एक शख्स से मिला था जिसकी ताकत तुमसे ही मिलती जुलती थी, तो इसी रीजन के वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि उस शख्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ताकत है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके मैं उस शख्स के जैसे ही लोगों से थोड़ी पावर ले लूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर बची नहीं है। जो देखने के बाद वेजिटा अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ पर और तबाही नहीं मचाने दूंगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है? और हम देखते कि मोरो वेजिटा के उस अटैक से बड़े आसानी से बच जाता है। वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, और तभी हम सभी देखते कि मोरो अचानक से अपना एक अटैक करता है, लेकिन उस अटैक का वेजिटा पे कुछ वार तो नहीं पड़ता, लेकिन तभी वेजिटा अचानक से जमीन में लेट जाता है, और ये देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो रहा है? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जिसके ऊपर मोरो कहता है, अरे अरे क्या हुआ वेजिटा, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे बैठ गए? तुमने इतने जल्दी मेरे सामने घुटने कैसे टेक दिए? अभी तो हमने लड़ाई करना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि पीछे से गुहान अपना एक अटैक करता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो अपना वो अटैक हटा लेता है, जिससे वेजिटा वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, और इस टाइम पे गुहान की हेल्थ पहले से भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, गोहन तुम्हें ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि ज़ीनोसामा से बात करने के बाद गोकू की सील के पास आ चुके होते हैं और गोकू से बात कर रहे होते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट क्या ये आप हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू ये मैं ही हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पे आजाद करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर तुम आजाद हो जाओगे तो तुम ये सब वापस बिल्कुल भी नहीं करोगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट मुझे भी अभी के टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये सब करना तो नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा माइंड अचानक से किसी और के कंट्रोल में आ जा रहा है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि हाँ गोकू ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने देखा और तुमने सहा है, तो उस वजह से तुम्हारे अंदर एक और नए शख्स का जन्म होता जा रहा है, तो तुम्हें उसको कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसमें मैं और ज़ीनोसामा तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें भी गोकू वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने अंदर लड़ते रहोगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी करके अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस सील को तोड़ देते हैं और वहां से गोकू आजाद हो जाता है, और गोकू बाहर आते ही कहता है, थैंक यू ग्रैंड प्रीस्ट आपने मुझे वापस से आजाद कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अपने आप पर कब तक कंट्रोल कर पाऊंगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, कोई बात नहीं गोकू, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या करना है, तो तुम अभी के टाइम पे तो एकदम सही लग रहे हो। जिसके बाद गोकू को अचानक से एक बात याद आती है और वो कहता है, लेकिन एक मिनट ग्रैंड प्रीस्ट, जब मैं यहाँ पर था कोई एक शख्स आया था जो कि मुझसे बातें कर रहा था, और पता नहीं क्यों वो काफी सारी अलग अलग बातें कह रहा था, और उसने ये भी कहा था कि वो प्लैनेट अर्थ में जाएगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट इस बात को देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तुम क्या कह रहे हो गोकू, इस जगह पे आखिर कोई कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ वही सील थी
जिन्हें लॉर्ड जालामा ने बहुत टाइम पहले सील करके रखा था। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट की नजर एक सील पे पड़ती है जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और वो सील मोरो की होती है, जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं गोकू ऐसा नहीं हो सकता, वो शख्स मोरो वापस से आजाद हो चुका है, हमें कुछ भी करके उसे वापस पकड़ना पड़ेगा, क्या तुम्हें पता है वो कहां पर गया है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट मुझे पता है कि वो अभी के टाइम पे प्लैनेट अर्थ में गया था क्योंकि उसने मुझसे बात करते टाइम तो यही कहा था। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम्हें अभी जाके वहां पर उसे रोकना पड़ेगा, मैं जाके जिनोसामा को ये सारी बातें बताता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट भी जिनोसामा के पैलेस की तरफ निकल जाते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मोरो और यहाँ पर वेजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट चल रही होती है। तभी वेजिटा अपनी पावर अप करके सुपर सेंट ब्लू फॉर्म पे आ जाता है और अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो अपनी वापस से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वेजिटा एक ही जगह पर रुक जाता है। और वेजिटा कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम डरपोक, तुम आखिरकार ऐसी चालें चल के मुझे कब तक रोक सकोगे? जैसे ही तुमने मुझे छोड़ा मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जिसके बाद मोरो हंसते हुए कहता है, वेजिटा मानना पड़ेगा कि तुम अपने घुटनों में हो फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारा किस्सा यहीं पर खत्म करके तुम्हारी सारी पावर अपने साथ लेकर जाऊंगा। और हम देखते कि ये बोलते ही मोरो अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर। ये अटैक वेजिटा को काफी जोर का आके लगता है जिससे वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मोरो के पहले वाले अटैक के वजह से अभी भी वेजिटा अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है। और मोरो इसके ऊपर कहता है, क्या बात है वेजिटा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे एक अटैक से बच जाओगे, लगता है कि मुझे 2-3 अटैक और करने पड़ेंगे तुम्हें खत्म करने के लिए। और तभी मोरो वापस से अपना अटैक करता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वेजिटा के बीच में इस बार गोहान आ जाता है और गोहान को वो अटैक लगता है जिससे गोहान की हालत अब पहले से भी और ज्यादा खराब हो जाती है, जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, नहीं गोहान तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इसे अकेला संभाल लूंगा, लेकिन इस डरपोक ने मुझे अभी भी अपनी शक्ति में कैद करके रखा है, अगर मैं यहाँ से छूट गया मोरो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं मोरो को जो कि वापस से हंसने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकलोगे तब ना वेजिटा, क्योंकि मैं तो तुम्हें अभी खत्म करने ही जा रहा हूँ। और तभी हम सभी देखते कि मोरो अपना आखिरी अटैक करता है वेजिटा के ऊपर और वेजिटा वहां से हिल नहीं पाता। और वेजिटा कहता है, नहीं ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, अभी तो मुझे इसको यहाँ से हटाना भी था। और तभी हम सभी देखते कि मोरो के उस अटैक को कोई अचानक से बीच से ही हटा देता है और वो शख्स होता है गोकू। और गोकू को देखने के बाद वेजिटा कहता है, हे कैकरोट तुम वापस आ गए, तुम्हें इतने आने में देर कैसे हो सकती है और तुम उस सील से आजाद कैसे हो गए? जिसके ऊपर गोकू कहता है कि मुझे माफ कर देना वेजिटा, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं ग्रैंड प्रिस्ट के साथ थोड़ी बातें कर रहा था। जिसके बाद गोकू गोहान की हालत देखता है और गोहान की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और गोहान कहता है, हे डैड आपको कुछ भी करके इस शख्स को यहाँ से भगाना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, गोहान तुम्हारी हालत क्या इसने करी है? तुमने जो किया है मोरो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर आके मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाने का क्या परिणाम होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते कि मोरो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं गोकू, तुम्हें लगता है ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम गलत हो, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और अभी तो मुझे अपने साथियों को भी मेरे साथ इस प्लान में शामिल करना है, तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते कि ये बोलते मोरो वहां से चले जाता है, जिसके बाद वेजिटा भी एकदम सही हो जाता है। और वेजिटा खड़ा होकर गोकू से पूछता है, हे कैकरोट आखिर तुम इस मोरो को कैसे जानते हो और वो तुम्हारे आते ही यहाँ से क्यों निकल गया? जिसके ऊपर हम सभी देखते गोकू को, तुम्हें याद है वेजिटा जहाँ पर मुझे ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा ने सील कर दिया था, वहां पर एक और सील थी और उसके अंदर ये मोरो कहता, ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे बताया है कि ये काफी खतरनाक है क्योंकि इसके पास काफी अलग अलग तरह की पावर है और इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा, तो अब ये काम हमें ही करना पड़ेगा वेजिटा, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट जिनोसामा के पास इससे बात करने के लिए गए हैं, तो हमें जल्द से जल्द जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा इन सभी मामले की बात करने के लिए। और जिसके ऊपर कहता है, ठीक है कैकरोट तो हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें कैप्सूल कॉर्प जाके गोहान को ईरिंग चेंबर के अंदर डालना पड़ेगा। जिसके बाद
हम सभी देखते कि वो तीनों वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अलग जगह पे आ जाता है और कहता है, मेरे पास अभी के टाइम पे इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि मैं उस गोकू का भी सामना कर सकूं, तो मुझे कुछ भी करके अपनी सारी पावर को वापस से हासिल करना पड़ेगा और साथ ही में मुझे अपने साथियों को भी बहुत ही जल्दी जिंदा करना पड़ेगा ताकि उसी के बाद मेरा जो मकसद है वो कामयाब होके रहेगा और इसके बारे में उस जिनोसामा को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा। और उसके बाद फिर इस मल्टीवर्स में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का राज चलेगा तो वो मैं ही होऊंगा। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा गोहान को लेके कैप्सूल कॉर्प में आ जाते हैं और वहां पर गोहान को हीलिंग चेंबर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हें मालूम है कि अब हमें क्या करना है? क्या हमें जिनोसामा के पैलेस में जाना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला। पहले हमें यहाँ पर सभी लोगों को जो कुछ भी चल रहा है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वहाँ पर बुलमा आ जाती है और गोकू सारी बातें बुलमा को बता देता है और बुलमा ये सब जान के काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, गोकू तुमने आखिरकार लॉर्ड बीरस को क्यों मारा? ये सब कहीं ना कहीं तुम्हारे वजह से ही हुआ है। जिस पर गोकू कहता है, हाँ बुलमा तुम ये कह तो सकती हो, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे हमको और भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं और वेजिटा यहाँ से जा रहे हैं। जैसे ही गोहान एकदम सही हो जाएगा तो गोहान को इन सभी चीजों के बारे में जरूर बता देना। उसके बाद हम सभी देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है, कैकरोट अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तो हमें जल्द से जल्द जिनोसामा के पैलेस में जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा जिनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि जिनोसामा के पैलेस में होते हैं और जिनोसामा से कहते हैं, जिनोसामा आपको जैसा लगा था वैसा ही हुआ है। गोकू और आपकी फाइट की वजह से वहां पर एक सील टूट चुकी है जिसकी वजह से मोरो बाहर आ चुका है। जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, क्या मैंने कहा था ना ग्रैंड प्रीस्ट कि कुछ ना कुछ तो बुरा होने ही वाला है। मुझे लगा ही था कि उन सील में से एक आजाद हो चुका है, लेकिन मुझे मालूम है कि मोरो ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठने वाला। वो कुछ ना कुछ करके जरूर अपने साथियों को भी जिंदा करने की सोचेगा, लेकिन अभी के टाइम पे मेरे पास इन सभी चीजों का वक्त नहीं है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन क्यों जिनोसामा, अगर आप चाहो तो इस टाइम पे मोरो को बड़े आसानी से रोक सकते हो क्योंकि उसके पास उसकी पूरी पावर अभी के टाइम पे नहीं होगी। जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है ग्रैंड प्रीस्ट कि गोकू और वेजिटा ने मिलकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया है, तो मुझे कुछ भी करके इस ब्रह्मांड का संतुलन वापस से बनाए रखना होगा और इसके लिए मुझे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस से जिंदा करना होगा, जिसके लिए मैं लॉर्ड जालामा के पास जा रहा हूँ क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो वापस से जिंदा जरूर करना पड़ेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ऐसा करना सही होगा जिनोसामा, क्योंकि हमको पता है कि गोकू और वेजिटा अभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस से आए। जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि गोकू और वेजिटा अब संभल चुके होंगे और तुम्हें भी उनको ये बात समझानी होगी, लेकिन ये सब तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तुमको गोकू और वेजिटा को ये सारी बातें बतानी होगी कि मोरो को इस टाइम पे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मोरो ने अपने साथियों को जिंदा कर दिया तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता जाएगा और मुझे पता है कि इस बार भी वो इस मल्टीवर्स में कब्जा करने की जरूर सोचेगा, तो तुम्हें ये सब बातें गोकू और वेजिटा को जल्द से जल्द बतानी पड़ेगी। जिसके बाद हम सभी देखते कि जिनोसामा वहां से चले जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा सोच में लग रहे होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं जिससे गोकू और वेजिटा सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है, आखिर हम यहाँ पर कैसे आ गए कैकरोट, अचानक से हम यहाँ पर कैसे आ गए? जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कहते हैं, गोकू वेजिटा मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। जिसके बाद हम सभी को सीधा मोरो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते मोरो को जो कि काफी गहरी सोच में होता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहूंगा और मुझे पता है कि अभी के टाइम पे वो सब लोग इधर उधर जरूर घूम रहे होंगे मेरी तलाश में, लेकिन फिर भी मुझे अपने साथियों को सबसे पहले जिंदा करना पड़ेगा और ये मैं अकेला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है।
जिसके बाद हम सभी देखते मोरो को अचानक से किसी की एनर्जी सेंस होती है, जिसके बाद मोरो उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाता है और तभी हम सभी देखते कि वहां पर फ्रीजा का स्पेसशिप आता है और मोरो ये देखने के बाद समझ जाता है कि कोई ना कोई इसके अंदर है जिसके पास कुछ पावर है, जिसके बाद हम सभी देखते मोरो को जो कि अपना एक अटैक करता है जिससे फ्रीजा की स्पेसशिप वहां से गायब हो जाती है, लेकिन फ्रीजा उस स्पेसशिप से बाहर आ जाता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं फ्रीजा को जो कि कहता है, हे आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लाने की, जिसके बाद हम सभी देखते मोरो को जो कि हंसने लगता है और कहता है, जरा रुको मुझे तुमसे बात करनी है, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें मैं यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा अटैक कर देता है मोरो के ऊपर, लेकिन मोरो फ्रीजा के उस अटैक से आसानी से बच जाता है और अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसने वेजिटा के खिलाफ किया था, और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा जमीन पे लेट जाता है, जो देखने के बाद फ्रीजा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे तुम बकरे के जैसे मुंह के दिखने वाले मुझे यहाँ से आजाद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। जिसके बाद मोरो कहता है, रुको रुको रुको, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने से बड़ों की इज्जत की जाती है, लगता है कि तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बाद मोरो एक अटैक करता है फ्रीजा के ऊपर जिससे फ्रीजा को काफी ज्यादा चोट आती है, और तभी मोरो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान तो नहीं हो, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने सारे साथियों को वापस से लेकर रहा हूँ जो कि कई सालों पहले मारे जा चुके थे, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा के पास कुछ ड्रैगन बॉल होती है जो कि वो काफी लंबे टाइम से इकट्ठा कर रहा होता है, और जो देखने के बाद मोरो कहता है, ए हे हे, क्या ये ड्रैगन बॉल्स है, इसका इस्तेमाल मुझे बताओ कि कैसे करा जाता है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि इसे विश बॉल भी कहते हैं, तो मुझे बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इसके बाद इस मल्टीवर्स में मैं अपना राज कर सकूं। जिसके ऊपर फ्रीजा मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो हो सकता है कि आगे चलकर ये उन सेन बंदर्स को हराने में मेरी मदद भी कर सकता है, और साथ ही में मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे और भी ज्यादा ताकत मिल सकती है, और वैसे भी अगर मेरा इससे मन भर गया और मुझे लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है तब तो मैं इसे खत्म कर ही दूंगा, और साथ ही में इसके अंदर से ना जाने क्यों एक काफी बड़ी शक्ति का मुझे एहसास भी हो रहा है। और उसके बाद फ्रीजा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले मुझे तुम्हारा नाम बताओ बकरे जैसे दिखने वाले। जिसके बाद मोरो कहता है कि मेरा नाम मोरो है और तुम मुझे इसी नाम से बुलाओगे, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, ठीक है तो अब तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये विश बॉल अभी के टाइम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 ही है, अगर हम एक और विश बॉल इकट्ठा कर ले तो फिर हम एक ड्रैगन को बुला सकते हैं जिससे अगर तुम विश मांगोगे तो वो किसी भी मरे हुए शख्स को जिंदा कर सकता है। जिसके बाद मोरो कहता है, तो ऐसी बात है, अब लगता है कि मेरे सारे के सारे साथी वापस से जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद वो जिनोसामा भी हमें रोक नहीं पाएगा। जिनोसामा का नाम सुनके फ्रीजा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम जिनोसामा को हराने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इस मल्टीवर्स के किंग हैं, लेकिन चलो तुम्हें मैं फिर भी एक बात बता देता हूँ कि तुम इस विश बॉल से सिर्फ एक ही शख्स को जिंदा कर सकते हो, क्योंकि ये सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है, ये तो बस आम नेमिक इन ड्रैगन बॉल्स हैं, तो तुम क्या कहते हो। जिसके बाद मोरो काफी ज्यादा सोचता है और कहता है, एक ही सही तो एक ही साथ ही मेरा जिंदा होगा, लेकिन मैं अपने कामयाब प्लान को अंजाम देके रहूंगा। उसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनोसामा के पैलेस में ग्रैंड पीस से बातें कर रहे होते हैं, और ग्रैंड पीस ने जिनोसामा से सारी हुई बातें गोकू और वेजिटा को बता दी होती है। जिसके बाद वेजिटा कहता है, तो अच्छा ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उस मोरो को रोकना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने सारे साथियों को वापस से जिंदा कर ले, तो क्या करो हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड पीस तो हम यहाँ से चलते हैं, हम उस मोरो को उसके प्लान में कामयाब होने बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन क्या आप भी हमारे साथ आने वाले हो। जिसके ऊपर ग्रैंड पीस कहते हैं, नहीं गोकू मैं अभी के टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता,
क्योंकि मुझे अभी काफी सारे बदलाव करने हैं जो कि मल्टीवर्स में हुए थे तुम्हारी और ज़ीनोसामा की फाइट की वजह से। तो तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए, मैं अभी के टाइम पे तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मोरो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अर्थ में गोहान को भी होश आ चुका होता है, लेकिन गोहान की हालत अभी भी उतनी ज्यादा सही नहीं होती है। जो देखने के बाद बुलमा कहती है, गोहान तुम्हारी हालत अभी काफी ज्यादा सही नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। नहीं बुलमा, मैं ठीक हो चुका हूँ, तो मुझे बताओ कि डैड और वेजिटा आखिर कहाँ पर गए। जिसके बाद बुलमा सारी बातें गोहान को बता देती है और गोहान कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे भी डैड और वेजिटा के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि गोहान की हालत अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई हुई होती है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को जो कि कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और यहाँ पर मोरो कहता है कि वो सीएंस गोकू और वेजिटा यहाँ पर आने के लिए निकल चुके हैं, वो जल्द से जल्द हमारे पास पहुंच जाएंगे, और अभी तक मैंने इन सारी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा भी नहीं किया है। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि आखिर गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, और तुम उन सेन बंदर को कैसे जानते हो? जिसके बाद मोरो कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी तो नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने उन सीएंस में से एक से फाइट करी थी, जिसे मैंने काफी तड़पाया था, लेकिन फिर मैंने उनको छोड़ दिया। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला कि गोकू और वेजिटा यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। जिसके बाद फ्रीजा काफी ज्यादा हैरानी में पड़ जाता है और कहता है, ये शख्स हो ना हो आगे चलकर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, तो मुझे कैसे ना कैसे करके इसको उसके प्लान में थोड़ा बहुत कामयाब करने में मदद करनी ही चाहिए। जिसके बाद फ्रीजा कहता है, हे तुम मोरो अभी यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें बाकी की ड्रैगन बॉल आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो तुम उसे जल्द से जल्द ढूंढो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें एक ही ड्रैगन बॉल ढूंढनी है, और जब तक मैं उन सेन बंदर्स को यहाँ पर थोड़ा बिजी रखता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो को जो कि काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद हम सभी देखते फ्रीजा को जो कि वहीं पर खड़ा रहता है, और तभी गोकू और वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं और फ्रीजा उनके ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। जो देखने के बाद वेजिटा कहता है, हे आखिरकार कौन है जिसने अटैक किया, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है, हे तुम दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा गोकू वेजिटा, तो तुम क्या कहते हो, क्या मैं अपना पुराना हिस्सा अब तुम दोनों से चुपता कर लूं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, फ्रीजा अभी हमें तुमसे लड़ने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अभी हमें और भी काफी बड़े काम करने हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें लगा था गोकू कि तुम मुझे कुछ कहोगे और मैं तुम्हारी बात को इतनी आसानी से मान लूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम सभी देखते कि फ्रीजा अचानक से अपना अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला फ्रीजा, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अगर अभी हमारे रास्ते से हट गए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा हमें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें मोरो को ढूंढने के लिए जाना है, क्या तुम इसके बारे में भूल चुके हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या कहा तुमने गोकू, मोरो शायद मैंने ये नाम कहीं सुना है, हाँ मैं अभी थोड़ी देर पहले उसी से मिला था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर थोड़ा संभालूं क्योंकि उसे कुछ काम करना है, तो आ जाओ मुझे से लड़ो बंदर। जिसके बाद हम सभी देखते ये बात सुनने के बाद वेजिटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या करो मुझे लगा ही था कि ये फ्रीजा जिंदा होने के बाद कुछ ना कुछ तो करेगा ही, इसीलिए मैं इसे कभी जिंदा होने ही नहीं देने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ फ्रीजा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वेजिटा अपना पावर ऑफ करने के बाद अटैक करने के लिए जाता है फ्रीजा के ऊपर, लेकिन फ्रीजा उसके अटैक से बच नहीं पाता और यहाँ पर वेजिटा काफी जोर का पंच मारता है फ्रीजा के, जिससे एक ही पंच में फ्रीजा की हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, इन बंदर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है? जिसके बाद वेजिटा लगातार अटैक पे अटैक करता ही जाता है फ्रीजा के ऊपर और फ्रीजा की हालत धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खराब होती जाती है, लेकिन फ्रीजा गोकू वेजिटा को वहां से जाने नहीं दे रहा होता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर तुम हमें यहां से नहीं जाने दोगे फ्रीजा, तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पीछे इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, तो चलो मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं।
दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मोरो को, जिसको वो आखिरी ड्रैगन बॉल भी मिल चुकी होती है और वो ड्रैगन को समन कर लेता है, जो देखने के बाद गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या वहाँ पर किसी ने शेरॉन को समन किया है? जो देखने के बाद वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी फ्रीजा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि उसको सातवां ड्रैगन बॉल भी मिल गया और उसने ड्रैगन को समन कर ही लिया है, तो वो अपने साथी को भी जिंदा कर लेगा और फिर धीरे धीरे करके मैं भी तुम्हारा अंत कर दूंगा मंकीज। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू और वेजिटा को, जो कि उस तरफ आगे जा ही रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। हम सभी देखते कि मोरो ने अपनी विश फाइनली मांग ली होती शेरॉन से और शेरॉन भी इस विश को पूरा कर चुका होता है, और तभी हम सभी देखते हैं कि मोरो कहता है, तो आखिर तुम मेरे साथ ही अब आ ही चुके हो, लेकिन हमें आजाद हुए भी काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तो क्या तुम अब उस चीज के लिए तैयार हो? जिसके बाद हम सभी को वो शख्स दिखाया जाता है जिसको मोरो ने जिंदा करा होता है, और वो शख्स सामने आते ही कहता है, क्या बात है मोरो, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से उस सीट से बाहर निकल पाओगे और उसके बाद मुझे भी जिंदा कर दोगे, तो आखिरकार अब आगे का क्या प्लान है मोरो? जिसके ऊपर मोरो हंसते हुए कहता है, अरे अरे हर्ट्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा प्लान क्या है? तो तुम इस टाइम पे बकवास सवाल पूछना बंद करो, तो हमें अब आगे चलना चाहिए। और हम सभी को पता चलता है कि उस शख्स का नाम होता है हर्ट्स। हम सभी देखते कि मोरो ने यहाँ पर हर्ट्स को ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर दिया होता है, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी नहीं पता होता कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है। तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, फ्रीजा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हम देखते हैं कि ये बोलते यहाँ पर वेजिटा अपना काफी बड़ा अटैक करता है फ्रीजा के, जिससे फ्रीजा वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, वेजिटा, हमें जल्दी करनी चाहिए, हो सकता है कि वहां पर उसने अभी भी अपनी विश को नहीं मांगा होगा। जिसके बाद गोकू और वेजिटा जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि कहता है, आओ आओ गोकू वेजिटा, मुझे तुम दोनों का ही इंतजार था, क्योंकि मुझे मेरे साथी से तुम दोनों को मिलाना था, इससे मिलो, ये है मेरा साथी हर्ट्स। जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि कहता है, हे मोरो, आखिर ये दोनों क्यों हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के पास कुछ ज्यादा ही पावर्स हैं? जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे हर्ट्स, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों का नाम गोकू और वेजिटा है और ये दोनों सियन से, सच में इनके पास काफी ज्यादा शक्ति है। मैंने भी एक सियन की पावर कुछ देर पहले ली थी, जिस वजह से मैं थोड़ा ताकतवर हो पाया हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि ये सब देख के कहता है, मोरो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हम तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आए हैं। जिसके ऊपर हम देखते कि मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है, और तभी हर्ट्स उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बीच में वेजिटा आ जाता है और कहता है, इस बार मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला और मैं तुम दोनों का खत्म ही कर दूंगा। ग्रैंड प्रिंस ने बताया था कि मोरो को सील करना चाहिए, लेकिन मैं प्रिंस वेजिटा तुम दोनों को यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम सभी देखते कि वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके हर्ट्स की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते कि मोरो अपना वही स्पेशल अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा वापस जमीन में गिर जाता है और कहता है, तुम डरपोक मोरो, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बस एक बार तुम्हारे ऊपर अटैक करने दो। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि अचानक से अटैक कर देता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो अपना वो अटैक हटा देता है और वेजिटा आजाद होकर यहाँ पर सीधा हर्ट्स के ऊपर काफी जोर का पंच मारता है, जिससे हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है और कहता है कि अब हम दोनों सेंस तुम्हें बताएंगे कि हमारी पावर कितनी है और हम तुम्हें हरा के रहेंगे। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं हर्ट्स को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम दोनों कितने नादान हो, लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम डीमंस हैं जिनकी पावर काफी ज्यादा हुआ करती थी, यहाँ तक कि तुम्हारा वो जिनोसामा भी हमें नहीं सरपास कर पाया था, जिस वजह से लॉर्ड जालामा ने हमको कैद कर दिया था और उस जिनोसामा ने तो मुझे पिछली बार खत्म कर दिया था, लेकिन अगर वो इस बार मेरे सामने आता है तो मैं उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा,
जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बात सुन के गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन गोकू वेजिटा अब लगातार पावर अप करके उन दोनों के ऊपर अटैक करते रहते हैं और मोरो और हर्ट्स उनके अटैक से बड़ी आसानी से बचते रहते हैं। तभी हम सभी देखते हैं हर्ट्स को जो कि अपने काफी बड़ा अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी खराब हो चुकी होती है सिर्फ और सिर्फ हर्ट के एक अटैक से। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि अटैक पैटैक मोरो के ऊपर करता जाता है। हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके मोरो की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और मोरो हंसते हुए कहता है, मानना पड़ेगा गोकू कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरे पास अभी तक मेरी पूरी शक्ति आई नहीं है। तो हर्ट्स, क्या तुम इसको मेरे लिए देख सकते हो? और तभी हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स बीच में आके एक अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और हम देखते हैं गोकू को जो कि अपने मन में कहता है, क्या सच में मोरो के पास अपनी पावर अभी के टाइम पे नहीं है? तो यही एक मौका है जिससे हम मोरो को रोक सकते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू अपना पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म पे चले जाता है, जो देखने के बाद हर्ट्स कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं लगा था कि कोई मॉर्टल इस लेवल की पावर को अचीव कर सकता है। मानना पड़ेगा तुम सीन्स में कुछ तो बात है, लेकिन ये बात ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स अपने काफी बड़ा अटैक करता है गोकू की तरफ, जिससे एक अटैक में ही गोकू की भी हालत काफी बुरी हो जाती है। लेकिन फिर भी गोकू हार नहीं मानता और गोकू उठने के बाद अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे काफी सारे पंचेस और अटैक करने लगता है हर्ट्स के ऊपर, लेकिन हर्ट्स की भी धीरे धीरे करके हालत खराब होने लगती है। और तभी हम सभी देखते हैं मोरो को जो कि अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि हर्ट्स वापस से पहले जैसा हो जाता है, जो देख के गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तुम्हें जरा संभल के रहना चाहिए, इन दोनों के पास सच में कुछ अलग तरह की ताकत है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स वापस से अटैक कर देता है अचानक से गोकू के ऊपर, जो अटैक गोकू नहीं देख पाता है और गोकू को भी इस टाइम पे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम सभी देखते कि हर्ट्स हंसते हुए कहता है, क्या मुझे लगा था कि तुम दोनों मेरे साथ थोड़ा और खेल सकते हो, क्योंकि इतने हजारों साल बाद मैं आजाद हुआ हूँ, लेकिन तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम मेरे साथ और खेल सकते हो, तो चलो मैं इस खेल को यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और मोरो कहता है, हर्ट्स, तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एक कोई तो है जो हमारे पास आता जा रहा है। जो सुनने के बाद हर्ट्स कहता है, ठीक है मोरो, तो मैं इन्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है गोकू और वेजिटा की तरफ और वो अटैक को वो फेंक देता है, जो देखने के बाद गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा हैरानी होते हैं क्योंकि गोकू और वेजिटा की हालत इस अटैक को रोकने की नहीं होती। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि एक अटैक आता है जो कि हर्ट्स के इस अटैक को वहां से हटा देता है, जो देख के गोकू वेजिटा चौंक जाते हैं। और हर्ट्स कहता है, क्या ये किसकी हिम्मत हुई मेरे इस अटैक को यहाँ से हटाने की? जिसके ऊपर मोरो कहता है, वो यहाँ पर आ चुका है तो तुम यहाँ पर आ ही गए, पिछली बार मैंने तुम्हारी ताकत ली थी फिर भी तुम यहाँ पर वापस आ गए, मानना पड़ेगा तुम हार मानने वालों में से तो नहीं हो। और हम देखते हैं कि वो शख्स गोहान होता है जो कि वहां पर आते ही कहता है, डैड, वेजिटा, क्या आप दोनों ठीक हो? आखिर आपकी ये हालत किसने कर दी है? जिसके बाद वेजिटा कहता है, गोहान, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों के पास काफी ज्यादा और काफी अलग ताकतें हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ गोहान, वेजिटा एकदम सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ से अभी के टाइम पे जाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों के पास तो गॉड्स लेवल की पावर थी, लेकिन फिर भी इन डीमंस ने हमें इतनी आसानी से हरा दिया, तुम इनका सामना नहीं कर पाओगे गोहान। जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, मुझे माफ कर देना कि मुझे आने में देरी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से आपको बचाए बिना बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि ये बोलते गोहान अटैक करने के जाता है हर्ट्स के ऊपर और गोहान अपने एक ही पंच से हर्ट्स की काफी बुरी हालत कर देता है, क्योंकि गोहान वेजिटा और गोकू की हालत देख के काफी तो गुस्से में होता है, जो देखने के बाद मोरो कहता है, ए, लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी ताकतें वापस आती जा रही है, लेकिन कुछ समय तक तुम्हें रुकना पड़ेगा गोहान, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत से बदलाव आने बाकी हैं, तो हर्ट्स, लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। और हर्ट्स कहता है, इतनी आसानी से भी नहीं मोरो, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ,
जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि अर्थ अपने लगातार अटैक करता रहता है गोहान के ऊपर। गोहान उन सभी अटैक से काफी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है, लेकिन तभी हर्ट्स अचानक से पीछे आ जाता है गोहान के और अचानक से एक चुपके से अटैक कर देता है गोहान के ऊपर। जैसे ही वो गोहान के अटैक लगता है, उस अटैक से गोहान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर गोहान बेहोश हो जाता है। और तभी मोरो कहता है, हर्ट्स अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, तो इसीलिए मेरी बात मानो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स और मोरो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, नहीं गोहान, मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें इस सब के बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि गोहान को धीरे धीरे करके होश आने लगता है और वो कहता है, हे डैड, मैं एकदम सही हूँ, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, क्या करो, इनके पास तो सच में कुछ अलग ही शक्तियां थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम इन्हें हरा पाएंगे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो वेजिटा सोचना चाहिए, क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मोरू के पास उसकी सारी शक्ति नहीं है। जिसके बाद हम सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है, क्या इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? जिसके बाद हम देखते, और जैसे ही गोकू और वेजिटा उस शख्स को देखते हैं, हम सभी देखते कि वो शख्स होता है वीस। और वीस को देखने के बाद गोकू वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और गोकू कहता है, हे वीस, आखिरकार तुम वापस जिंदा कैसे हो गए? और तभी वीस कहता है, तुम्हें याद है गोकू वेजिटा, तुम कुछ देर पहले ग्रैंड पीस से मिलने गए थे, लेकिन ग्रैंड पीस तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आए थे और वो मुझे जिंदा करने के लिए वहाँ से गए थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो कि मुझे ग्रैंड पीस ने बताई है कि मोरो अपने साथियों को वापस जिंदा करने लग रहा है और वो जल्दी अपने एक और साथी को भी जिंदा करेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बीस, हम इस बार इस मोरो को अपने प्लान में कामयाब होने नहीं देंगे और हम इससे ऐसा करने से रोकेंगे। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं हर्ट्स और मोरो को, और मोरो हंसते हुए कहता है, हर्ट्स क्या बात है, तुम्हारे अंदर पहले ही जितनी ताकत है, लेकिन फिर भी हमें इस टाइम पे उसकी जरूरत होगी। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, क्या सच में तुम उसे जिंदा करने की सोच रहे हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि वो कैसा है। जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे मालूम है कि वो कैसा है, लेकिन फिर भी हमें उसकी जरूरत तो पड़ेगी हर्ट्स। तो अब जो हमारा अगला साथी जिंदा होने वाला है, वो वही होगा। तो हम सभी देखते हैं कि मोरो और हर्ट्स वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम सभी को गोकू, वेजिटा और वीस का सीन दिखाया जाता है। वीस गोकू से कहता है, हे गोकू, मुझे बताओ कि आखिर तुमने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने अपने आप को रोक रखा था। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वीस, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ग्रैंड पीस से मैंने बात करी थी, तब ग्रैंड पीस ने कहा था कि अगर मैं अपनी उन फॉर्म का इस्तेमाल वापस से करता हूँ तो शायद मैं अपने आप में से वापस से कंट्रोल खो बैठूंगा, तो इसलिए मैंने उन पावर का यूज नहीं किया था। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या क्या करोट, अगर तुम अपनी सारी पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम उन डीमंस को कैसे रोकेंगे? तुम्हें अपने उन पावर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। ना जाने अब वो मोरो क्या करने के लिए गया होगा, उसने अपने एक साथी को तो जिंदा कर लिया है, हो सकता है कि वो अपने बाकी के साथियों को जिंदा करने के लिए ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए गया होगा वीस। जिसके ऊपर वीस कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोरो का सिर्फ एक ही साथी खत्म हुआ था और वो था हर्ट्स, जिसे मोरो ने ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर लिया है। अब वो उन्हीं सील्स के पास जाएगा, क्योंकि मोरो के दो और साथी थे जिनके पास काफी सारे डीमंस पावर थे और उन्हें लॉर्ड जालामा ने एक सील में कैद कर लिया था, और हो ना हो हर्ट्स और मोरो उसी तरफ जाएंगे, और शायद हर्ट्स के पास इस टाइम पे इतनी ज्यादा शक्ति आ चुकी है कि वो उस सील को तोड़ सकता है। तो तुम दोनों को वहां पर जल्द से जल्द जाना चाहिए, मैं ग्रैंड प्रीस्ट के पास जा रहा हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे काम है जो ग्रैंड प्रीस्ट और मुझे एक साथ मिलकर पूरे करने हैं। तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ गोकू, वेजिटा, गोहान, कि तुम उन्हें जाके रोक सकते हो, और तुम्हें ये करने में जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि गोकू अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो अपने सारे साथियों को जिंदा करके वो सब करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो इस मल्टीवर्स में वापस से कब्जा करने के लिए जाएगा, और तुम ही हो गोकू जो उसे इस टाइम पे रोक सकते हो, और वेजिटा तुम भी, तो तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर जाना चाहिए। और हम देखते कि ये बोलते वीस वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू, गोहान और वेजिटा भी उस तरफ निकल जाते हैं, और यहाँ पर हम सभी देखते हैं मोरो और हर्ट्स को, जो कि उस सील के पास पहुंच जाते हैं, और मोरो कहता है, हर्ट्स हमें जल्द से जल्द इस सील को तोड़ के उन दोनों को आजाद करना पड़ेगा, जिससे हम सभी इस मल्टीवर्स के अंदर
हम डीमंस का राज चला सकते हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हाँ मोरो, तुम लगता है कि सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें लगता है कि उन दोनों के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए? क्योंकि अगर वो दोनों आजाद हो गए तो हो सकता है कि वो दोनों हमें धोखा भी दे दें। जिसके ऊपर मोरो कहता है कि नहीं हर्ट्स, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब हम चारों आजाद होते आपस में फ्यूजन करेंगे, जिससे हम इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग बन जाएंगे। तो तुम्हें जल्द से जल्द इन दोनों को आजाद करना पड़ेगा, और साथ ही में उसके बाद हमें ड्रैगन बॉल को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल की मदद से फिर हम सभी आपस में फ्यूजन होके इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल फ्यूजन बनाएंगे। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हाँ मोरो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो प्लान इसके लिए ज़रूर से होगा, और ये तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जिसके ऊपर मोरो कहता है कि हमें जल्दी करनी चाहिए हर्ट्स, जल्दी से इस सील को तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो तीनों यहीं पर आ रहे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मोरो और हर्ट्स अपनी पूरी पावर लगा देते हैं उस सील के लिए और उसको तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सील टूटने का नाम नहीं ले रही होती है। और तभी हर्ट्स कहता है, हे मोरो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम इस सील को तोड़ भी पाएंगे। जिसके बाद मोरो कहता है, लग जाओ हर्ट्स, मुझे पता है कि हम इस सील को कैसे तोड़ सकते हैं, वो सीएंस यहाँ पर आने ही वाले हैं, तो हमें कुछ भी करके उन सीन के साथ इस सील के पास लड़ना होगा, जिससे हमारी फाइट के इफेक्ट की वजह से इस सील के अंदर क्रैक आना चालू हो जाएंगे, और उसके बाद हम इस सील को तोड़ देंगे। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और गोहान वहां पर आ जाते हैं, और गोकू कहता है, हे तुम सब रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने उस सील को आजाद कर दिया, अगर तुम उस सील को तोड़ देते हो तो वो डीमंस बाहर आ जाएंगे। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या बात है सीन्स, तुम लोग तो मेरी सोच से भी कुछ ज्यादा ही तेज निकले, और तुम्हें नहीं मालूम कि हम इसीलिए तो इस सील के पास आए हैं, तो चलो मुझे लगता है कि तुम हमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स आगे बढ़कर गोहान के ऊपर अटैक कर देता है, और वो एक ही अटैक से गोहान को काफी दूर फेंकता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर सीधा चले जाता है और अटैक करने के लिए जाता है हर्ट्स के ऊपर। हम देखते हैं कि हर्ट्स इसी बीच काफी सारे अटैक करने लगता है गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू उन सभी अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म पे। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को, वेजिटा अपना पावर अप करके इस बार अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे चले जाता है और वो सीधा अटैक करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो को काफी ज्यादा चोट लगती है और मोरो काफी दूर जाके गिरता है। और वेजिटा कहता है, इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा मोरो कि मेरी असली पावर क्या है, तुमने अपनी उस घटिया टेक्निक से मुझे कई बार जमीन पे लेटाया ना, इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरी पावर क्या है। और हम देखते कि अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे वेजिटा लगातार मोरो के ऊपर अटैक करता ही जाता है और मोरो इन सभी अटैक से बच नहीं पाता और मोरो की हालत धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खराब होने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हर्ट्स को, जो कि गोकू से कहता है, हे सीएन, मुझे मालूम है कि तुम अपनी असली पावर मुझे नहीं दिखा रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मेरे साथ कैसे जीत पाओगे। जिसके बाद हर्ट्स अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स आके वेजिटा को भी एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे वेजिटा भी कुछ दूर जाके गिरता है और वो मोरो से कहता है, हे मोरो, अगर तुम इसी तरीके से ज्यादा नाटक करोगे तो उन सभी को भी मालूम चल जाएगा और तुम कब तक इससे ऐसे पिटने वाले हो, क्योंकि हमको जल्द से जल्द उन दोनों को आजाद करना पड़ेगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, बेवकूफ, मैं उससे सच में नाटक नहीं कर रहा था, इस सीएन की पावर पहले से कई गुना बढ़ चुकी है और ये सच में मुझे इतनी देर से पीट रहा था, तो हमें जल्द से जल्द उस सील को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि हम डीमंस में से अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पावर इस टाइम पे है तो वो उन दोनों के पास ही है। और हम देखते कि ये बोलते हर्ट्स और मोरो उस सील के काफी ज्यादा पास जाते हैं और वो अटैक करके उस सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हम सभी देखते कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म पे आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा कामेहामेहा अटैक करता है उन दोनों की तरफ। और दूसरी तरफ वेजिटा भी अपनी फुल पावर में फाइनल फ्लैश अटैक करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम सभी देखते हैं। और इस अटैक के बाद गोकू और वेजिटा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मोरो और हर्ट्स अब खत्म हो चुके होते हैं,
लेकिन तभी हम सभी देखते कि मोरो और हर्ष को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मोरो अपने पावर की मदद से उन सभी के पास एक आसपास शील्ड बना लेता है, जिससे हम देखते कि उस सील में क्रैक आना चालू हो चुके होते हैं और मोरो और हर्ष अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं उस सील के ऊपर। और हम सभी देखते हैं कि वो सील आखिरकार टूट जाती है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर दो डीमंस और आजाद हो जाते हैं। और इन्हें देखने के बाद मोरो कहता है, तो आखिरकार तुम दोनों भी अब आजाद हो चुके हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मेरा साथ निभाओगे। जिसके बाद गोकू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों भी आजाद हो गए, आखिर मैं इनमें से किसी को भी रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा। और हम देखते कि वेजिटा की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम बाद में कुछ कर भी नहीं पाओगे, हमें इसी टाइम इन सभी को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते उनमें से एक डीमन कहता है, हे आखिरकार हम वापस से आजाद हो चुके हैं, लेकिन मोरो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये मॉर्टल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि काफी ज्यादा सोचने लगता है, और मोरो कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। जिसके बाद हर्ट्स कहता है, हे क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मॉर्टल्स हमारे लिए खतरा हो सकते हैं इन दोनों के जिंदा होने के बावजूद भी। जिस पे मोरो कहता है, ये मॉर्टल्स नहीं, लेकिन ये गोकू हमारे लिए खतरा बन सकता है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाके ड्रैगन बॉल ढूंढनी चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और अपनी न्यू फॉर्म के अंदर चले जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गोहान वेजिटा, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ा, मैंने अभी तक अपने आप को रोक रखा था। और हम देखते कि ये बोलते गोकू अटैक करने के जाता है उन सभी के ऊपर और गोकू एक ही अटैक से उन चारों की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। और उनमें से एक डीमन कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इस मॉर्टल के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है। और मोरो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए और उन ड्रैगन बॉल को ढूंढना चाहिए, हम इस टाइम पे इन सभी का सामना नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि ये बोलते वो चारों वहां से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ गोकू, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और गोकू भी वहां पर बेहोश हो जाता है, जो देखने पे वेजिटा भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, हे कैकरोट, क्या तुम ठीक हो, आखिर तुमने अपनी इन पावर का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं करा, तुम चाहते तो उनको पहले ही रोक सकते थे। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है, हे वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं वापस अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा तो मैं अपने आप पे कंट्रोल खो दूंगा। जो देखने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, क्या वापस से कैकरोट अपने आप पे कंट्रोल खो चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो इस टाइम पे ये बहुत ही बड़ा खतरा हम सभी के लिए होने वाला है। और गोकू कहता है, वेजिटा, मुझे लगा था कि तुम समझदार होगे और वापस मेरे रास्ते में नहीं आओगे, तो लगता है कि मुझे तुम है और इस गोहान को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं मोरो को, जो कि उन सभी से कहता है, ए तो चलो अब आपस में फ्यूजन करने का वक्त आ चुका है। जो सुन के हर्ट्स कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो मोरो, तुम्हें पता है ना कि हमारे पास सारे ड्रैगन बॉल नहीं है। जिसके बाद मोरो कहता है, रुक जाओ हर्ट्स, शायद तुम्हें नहीं पता कि लूसियस के पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जिसकी मदद से वो हम सभी को चाहे तो अभी के अभी फ्यूज कर सकता है। जो सुन के लूसियस कहता है, मानना पड़ेगा मोरो, तुम्हारे पास अब लगता है कि भविष्य देखने की ताकत काफी ज्यादा आ चुकी है, तो तुम सही कह रहे हो, तो अब हम उस जिनोसामा से अपना बदला भी ले सकते हैं, साथ ही में अब हम डीमंस इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करके रहेंगे, तो समय आ चुका है कि हम चारों सुप्रीम डीमंस आपस में फ्यूजन कर लें।